कर चुका है। मैं चलिए सभी दोस्तों को जोहार। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का करियर फाउंडेशन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जोहार, नमस्कार। आज रविवार है और आज रविवार को स्पेशल बनाने के मकसद से आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन का मकसद है कि आप लोग पढ़ाई के तरीके को बदलें। आज के इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको शायद झारखंड पढ़ना आसान लगेगा। जो लोग एप्लीकेशन में जुड़े हैं, झारखंड इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जनजातीय विद्रोह कंप्लीट हो चुका है, झारखंड की राज व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है, झारखंड की भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। और झारखंड की भूगोल में भी हम लोग एक दो क्लास चर्चा कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक से हर परीक्षा में एक से दो सवाल आते ही हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से सवाल कभी कभी स्किप किए जा सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इससे सवाल स्किप नहीं होते हैं। एग्जामिनर इस पे सवाल तो देता ही है, चाहे झारखंड की बात करें या जीएस की बात करें। क्योंकि झारखंड भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है झारखंड की नदियां। आप सभी अपवाह तंत्र के बारे में जानते होंगे। अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदियां भी आती हैं, अपवाह तंत्र के अंतर्गत जलप्रपात भी आते हैं, और अपवाह तंत्र के अंतर्गत अन्य जो जल से संबंधित जैसे गर्म जल कुंड, ये सारी चीजें आते हैं, है ना। तो आज का जो सेशन है पूरी तरह से डेडिकेटेड है झारखंड की नदियों से संबंधित, है ना। तो मैं क्लास को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि इस लिंक को, जो कि एक ओपन सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, ये जो लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं उनके लिए तो है ही, जो लोग नहीं भी ज्वाइन किए हैं, इस सेशन को अटेंड करके झारखंड की नदियों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और आज के क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से झारखंड की नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना। किसी भी राज्य का अपवाह तंत्र या किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र किन किन चीजों पर निर्भर करता है, झारखंड की नदियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके अलावा जो ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं झारखंड में, जो मुख्य नदियों से मिलती है, है ना। झारखंड में कौन सी ऐसी नदी है जिसमें आप नाव चला सकते हैं, नाव से आवागमन किया जा सकता है। झारखंड की वो कौन सी नदी है जो सीधे समुद्र में जाके मिलती है, वो किसी नदी की सहायक नदी नहीं है, है ना।
और भी बहुत सारी बातें आज के सेशन में आपको सीखने को मिलेगा, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से नदियों को समझाऊं और आपको महसूस कराऊं कि आप उस नदी में एक नाव में बैठ करके आप उस नदी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें जितना आप कर सकते हैं। और एक बार मुझे आप लोग बता दें कि मेरी आवाज आप तक स्पष्ट पहुंच रही है ना, क्योंकि काफी आज दिन भर साउंड को लेकर के काम हुआ है स्टूडियो में, कई दिनों से साउंड इशू हो रहा था, तो चूंकि आज क्लास था, स्पेशल क्लास था, आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए आज दिन भर टेक्निकल टीम साउंड को लेकर के लगी रही है ना। तो एक बार मुझे बताइए कि पहले से साउंड में सुधार तो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, मतलब सुनाई पड़ रहा है ना, साउंड क्लियर है। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोग जो भी हमारी पूरी टीम से घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन है ना, करियर फाउंडेशन ऐप है। उसके अलावा जो लोग लैपटॉप के थ्रू पढ़ते हैं, करियर फाउंडेशन की वेबसाइट है www.careerfoundation.org.in, ठीक है। इसमें आप जाकर के जो भी ऑनलाइन कोर्सेस आपके लिए वैल्यूएबल है आप ले सकते हैं, जेएसएससी सीजीएल का है, एक्साइज कांस्टेबल का है, नागपुरी भाषा जेएसएससी सीजीएल है, कोठा भाषा एक्साइज का भी है, जेएसएससी का भी है ना। उसके अलावा झारखंड जीएस स्पेशल कोर्स है, जेपीएससी प्रीलिम, जेपीएससी मेंस, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं, जिनको जो इंटरेस्ट है, जिनको जो पढ़ना है आप उसको परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज का जो टॉपिक है साथियों उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है झारखंड की नदियां, झारखंड की नदियां। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज मैं झारखंड का अपवाह तंत्र पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अपवाह तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। जब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र की, जब हम अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत न कई चीजें आ जाती हैं, जैसे इसमें नदियां भी आ जाती हैं, ठीक है, इसमें जलप्रपात भी आ जाते हैं, गर्म जल कुंड भी आ जाता है ना। ये सारी चीजें हम लोग अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं, जो कि आने वाले क्लासेस में एप्लीकेशन में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मिलेगा, है ना। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं किस पे, तो झारखंड की नदियों के संबंध में बात करने वाले हैं, है ना। किसके बारे में बात करने वाले हैं, झारखंड की नदियों के संबंध में आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए वीडियो क्लियर है, आवाज भी बता दीजिए, साउंड क्लियर है ना, साउंड भी बता दीजिए। तो चलिए झारखंड की नदियों को समझने से पहले हम लोग को यह समझना जरूरी है ना, हम लोग को यह समझना जरूरी है कि किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली किन किन चीजों पर निर्भर करती है, क्योंकि भूगोल है, और भूगोल में जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से ना समझें रट्टा मारने से फायदा नहीं है। तो किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली किन किन चीजों पर निर्भर करती है, यानी कि अगर किसी राज्य में जलप्रपातों की संख्या अधिक है, अगर किसी राज्य में नदियों की संख्या है, तो आखिर वो किन कारणों से है, किन किन चीजों के कारण, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, है ना, जिससे कि अपवाह प्रणाली प्रभावित होती है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे कारक हो सकते हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा आप लोग को, बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ आप लोग के लिए जो ऐप में ज्वाइन किए हैं, बहुत बेहतरीन इसका नोट्स आप लोग को मैं दूंगा, अभी मैं दिखाऊंगा अभी इसको, है ना।
तो देखिए, किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली को, है ना, किसी भी क्षेत्र के अपवाह प्रणाली को जो कारक प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं वो समझना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र के अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? दोस्तों, उस क्षेत्र में जल की मात्रा, मतलब वहां पर बारिश किस प्रकार से होती है, है ना, तो उस क्षेत्र में जल की मात्रा है ना, किसी भी राज्य में, देखिए भारत में क्या है ना कि ज्यादातर राज्यों की जो नदियां हैं, खासकर जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, तो ज्यादातर नदियां ऐसी है ना जो बरसात पर निर्भर है, ठीक है। हम लोग अगर हिमालयी नदियों को छोड़ दें, हिमालयी नदियां चूंकि ग्लेशियर के पिघलने के कारण क्या होता है कि सालों भर उसमें पानी रहता है, सदा नीर नदियां हैं, लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं या फिर हिमालयी नदियों को छोड़कर अन्य नदियों की बात करते हैं, तो वो सारी नदियां ना ग्लेशियर से तो आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा उस क्षेत्र में जल की मात्रा, है ना, कि उस जगह पर कितनी बारिश होती है, एक तो कारक ये हो गया। दूसरा, उस क्षेत्र में जो आकृति है, भू आकृति है, वो कैसी है, है ना, भूमि की आकृति पर भी तो नदियां निर्भर करती है। आखिर नदी किसी एक साइड से दूसरे साइड, जिस साइड में ढलान होता है उसी साइड में बहती है, जहां पर ढलान नहीं होगा वहां नदियां कैसे बहेंगी, है ना, तो उस क्षेत्र में धरती की आकृति पर निर्भर करती है। उस क्षेत्र में धरती की आकृति पर निर्भर करती है, ठीक है दोस्तों। और किन चीजों पर निर्भर करती है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की मिट्टी के पर भी निर्भर करती है कि उस क्षेत्र में मिट्टी किस प्रकार की है, है ना, उस क्षेत्र की मिट्टी पर भी निर्भर करती है। और क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग सोचिए, और कौन से कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के अपवाह प्रणाली को, अपवाह तंत्र को जो है प्रभावित करते हैं, है ना, बता सकते हैं आप लोग? तो उस क्षेत्र में वनस्पति का घनत्व कैसा है, है ना, वनस्पति का घनत्व, उस क्षेत्र में वनस्पति का घनत्व कैसा है, समझ पा रहे हैं आप लोग? आप लोग इसकी, जो भी लोग अभी YouTube के थ्रू देख रहे हैं, एप्लीकेशन में जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाकी जो ऐप में जुड़े उनको PDF इसका प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग यहां पर समझ गए कि किसी भी क्षेत्र के अपवाह तंत्र को जो कारक प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, उस क्षेत्र में जल की मात्रा कैसी है, कितनी बारिश होती है, है ना, दूसरा है उस क्षेत्र में धरती की आकृति कैसी है, क्योंकि बहुत हद तक धरती की आकृति पर ही अपवाह प्रणाली निर्भर करती है। अब सोचो, जिस राज्य में बड़े बड़े चट्टान नहीं होंगे, जिस राज्य में नदियां बहती हुई किसी पहाड़ से नीचे की ओर नहीं बहेगी, वहां पर जलप्रपात तो होगा नहीं, तो जलप्रपात भी होना उस राज्य की आकृति पर ही निर्भर करती है ना। मान लेते हैं झारखंड वाले बच्चे, आप लोग समझिए इस चीज को, स्वर्णरेखा नदी जो है रांची से निकलती है, रांची के नगड़ी गांव से निकलती हुई जब वो बहती हुई जाती है, तो रांची जिले में ही हुंडरू में नीचे बहती है और हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। उसी तरह से आप
झारखंड के अन्य जलप्रपातों को देख सकते हैं। आखिर जलप्रपात कैसे बनेगा? निश्चित रूप से वहां की आकृति पर ही निर्भर करेगी। अब रांची जो है झारखंड में एक ऊंची भूमि है ना, रांची जो है ऊंचाई पर है और यहां से जो नदियां निकलेगी, खासकर रांची से जो नदियां निकलेगी, निश्चित तौर पर वो जलप्रपात का निर्माण कहीं ना कहीं तो करेगी। क्यों भाई? क्योंकि वो ऊंचाई से नीचे की ओर जा रही है, कहीं तो उसको इस तरह का ढलान मिलेगा तो जलप्रपात का निर्माण करेगी। तो उस क्षेत्र में धरती की आकृति भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अब मिट्टी किस प्रकार की है ना, मिट्टी की आकृति, मिट्टी की संरचना किस प्रकार की है, उस पर भी कहीं ना कहीं अपवाह तंत्र निर्भर करता है। वनस्पति कितना घना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वनस्पतियां भी नदियों को अवरोध पैदा करती है ना, वनस्पति का घनत्व भी अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपने जाना अभी तक कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि किसी भी क्षेत्र के अपवाह तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहां तक आपको अगर स्पष्ट हो चुका है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यही चीज जो अभी हम आपको समझा रहे थे बोर्ड में है ना, यहां पर आप लोग देखने का कोशिश कीजिए। हम लोग जो ड्रेनेज पैटर्न और झारखंड पढ़ रहे हैं, अपवाह प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यहां पर और थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब किए हैं। अपवाह प्रणाली को जो कारक प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। उस क्षेत्र में जल की मात्रा प्रभावित कर रहा है, उस क्षेत्र में धरती की बनावट प्रभावित कर रहा है ना, ढाल की मात्रा कैसी है, ढलान कैसा है, वो भी अपवाह प्रणाली को प्रभावित कर रहा है। वनस्पति का घनत्व प्रभावित कर रहा है, मिट्टी की संरचना भी अपवाह प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों। ठीक है, डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत ही अलग तरीके से मैं आज समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने झारखंड की नदियां आपको नहीं पढ़ाया है, पहले भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पर, मगर आज मैं थोड़ा सा इस पे एक्स्ट्रा वर्क किया हूं, एक्स्ट्रा मेहनत किया हूं, इसलिए आपको आज के क्लास से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल संयम बरतते हुए अंत तक बने रहिए, है ना। अंत तक नहीं बने रहिएगा तो फिर वो टुकड़े टुकड़े में देखिएगा ना, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, उतना ज्यादा लिंकअप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, स्क्रीन का कलर चेंज नहीं होगा, यही कलर रहेगा क्योंकि इसी कलर में बनाया गया है। चलिए अब देखिए, झारखंड की बात करें, जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि जो अपवाह प्रणाली है विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, तो झारखंड भी उससे अछूता कैसे रहेगा? निश्चित रूप से झारखंड इसका अपवाद नहीं है। तो झारखंड में भी कई सारी नदियां बहती हैं, बड़ी नदियां, छोटी नदियां, कई प्रकार की नदियां बहती है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी झारखंड में बहती है। बड़ी नदियों में आपने दामोदर का नाम सुना होगा, दामोदर नदी झारखंड की बड़ी नदियों में आती है, स्वर्णरेखा नदी बड़ी नदियों में आती है, ठीक है, जिसमें कई सारी सहायक नदियां भी होती है। तो झारखंड भी अछूता नहीं है इन कारकों से। जो कारक निश्चित रूप से झारखंड में आप देखते होंगे, बहुत सारे जलप्रपात हैं। और बहुत सारे जलप्रपात क्यों हैं? क्योंकि धरती की आकृति झारखंड की वैसी है ना। जलप्रपात को खासकर मैं यही कहूंगा कि जलप्रपात तो धरती की आकृति और जल की मात्रा, इन दोनों चीजों पर बहुत हद तक निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए मानचित्र में हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। इसको तो पहले देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि झारखंड के प्राकृतिक मानचित्र को देखकर यहां के नदियों के जल प्रवाह की स्थिति को समझा जा सकता है ना। अगर आप झारखंड का भौगोलिक मैप देखिएगा, झारखंड के भौगोलिक मैप को अगर आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि झारखंड की नदियां कैसे बहती हैं। तो भौगोलिक मैप देखने का मतलब, यहां पर देखिए, ये यहां पर मैप आपको मैं दिखा रहा हूं। इस मैप में आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर ये जो मैप है, यहां पर देखिए इस कलर में जो इंडिकेट किया गया है,
जो इस कलर में इंडिकेट किया गया है वो थोड़ी ऊंची भूमि है, 1350 मीटर। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, पाट क्षेत्र, आप पहले भी जानते हैं कि पाट क्षेत्र ऊंची भूमि में आता है, तो ये वाला क्षेत्र सबसे ऊंचा है। उसके बाद जो थोड़ा लाइट कलर में आपको दिख रहा है, मतलब ये जो थोड़ा डीप कलर में दिख रहा है, थोड़ा ऊंचा भूमि है। उसके बाद थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है, वो 900 मीटर बता रहा है, मतलब उससे थोड़ी नीची भूमि है। मतलब रांची जो है वो कह सकते हैं पाट क्षेत्र सबसे ऊंची भूमि है, उसके बाद रांची की भूमि हो गई, है ना, तो ये थोड़ा सा नीचा है। उसके बाद वाला जो कलर आप देख रहे हैं 600 मीटर है, और ये कलर आप देख सकते हैं इन सब जगहों पर है, इन सब जगहों पर है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, जिस साइड ऊंचाई ज्यादा होगा, नदियां उस साइड तो नहीं बहेगी, उससे निकलेगी। मान लीजिए यहां से जो नदियां निकलेंगी, यहां से जो नदियां इस साइड निकलेगी, वो निश्चित तौर पर इधर बहेगी, है ना, इधर ही ना बहेगी, क्योंकि इधर ढलान है। और भी कुछ नदियां यहां से जो इस साइड निकलेगी, वो निश्चित तौर पर इधर बहेगी, क्योंकि इधर ढलान है, समझे। जिस साइड में ढाल ज्यादा रहेगा ना, उसी साइड में नदियों का बहाव रहेगा। ये तो आप समझ गए। तो इस मैप से आप ये समझ सकते हैं चलिए आप लोग ना कमेंट थोड़ा सा रोकिए, है ना, थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए आया हूं, तो आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं कमेंट बीच बीच में मैं खुद ही देखूंगा कि आपको कोई डाउट हो रहा है क्या, मैं खुद ही देखूंगा। थोड़ा सा आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा हो सके तो, और आराम से पढ़िए। थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बारात वगैरह गुजर रहा है। चलिए, तो इस मैप को आपने देखा तो आपको क्या समझ में आया। यहां पर देखिए ये वाला जो ग्रीन कलर है और ये जो ब्लू टाइप से जो दिख रहा है आसमानी कलर, ये सबसे नीची भूमि में आता है। मतलब अगर नदियां इधर से होकर इधर आ रही है तो निश्चित ही इधर ही बहेगी। ऊंचाई क्षेत्र से जो नदियां निकलेगी, मान लेते रांची एक ऊंची भूमि है, रांची से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, और स्वर्णरेखा नदी रांची से निकल करके जो है दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। तो दक्षिण पूर्व क्यों बहती है, यहां से जब ढलान की ओर निकलती है तो इस साइड क्या है, ऊंचाई थोड़ा कम है, तो जिधर ढाल है उधर बहती है, सिंहभूम की ओर प्रवेश करती है, और सिंहभूम की ओर प्रवेश करने के बाद वो उड़ीसा चली जाती है कि नहीं। स्वर्णरेखा नदी पश्चिम बंगाल होते हुए फिर आपका वो चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। उसी तरह से आप दामोदर नदी के बारे में जानते हैं। अब यहां कलर देखिए, दामोदर नदी जो है वो लातेहार क्षेत्र से निकलती है ना, तो लातेहार कहां पर है, लातेहार कुछ यहां पर है, है ना, तो लातेहार से निकलती है तो दामोदर नदी का बहाव इस साइड में है, है ना, लातेहार क्षेत्र से। अभी हम एक एक नदी को विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना जरूरी है, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना जरूरी है आपको, ताकि आप कभी खुद से भी पढ़े ना तो बहुत आसान हो जाए आपके लिए, समझे। कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, उसके बाद नदी तो याद तो आप लोग करने में माहिर है ही, याद तो कर लीजिएगा, लेकिन याद किया हुआ चीज जो आदमी है कुछ दिन बाद भूल जाता है, इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब ये जो मैप आपको हम दिखाए, यहां पर जो ग्रीन वाला और जो ब्लू टाइप से जो दिख रहा है, ब्लू तो बहुत कम जगह दिख रहा है, जैसे यहां पर है ब्लू, है ना, आसमानी टाइप का, ये सबसे नीचा क्षेत्र है। ग्रीन वाला भी नीचा क्षेत्र में आता है, जो इस टाइप का दिख रहा थोड़ा ऊंचा है, उससे थोड़ा लाइट ग्रीन दिख रहा है वो थोड़ा और ऊंचा है, ऑरेंज टाइप का जो दिख रहा आपको ये पिंक टाइप का वो सबसे ऊंचा है ना, और ये जो है उससे भी ऊंचा है। तो इस तरह से झारखंड का भौगोलिक मैप बनता है दोस्तों, फिजिकल मैप जो है झारखंड का इसी तरह से बनता है। और निश्चित तौर पर जो झारखंड की भूमि की आकृति है, उसी पर झारखंड की अपवाह प्रणाली भी निर्भर करती है। समझ पा रहे हैं आप लोग, बोलिए यहां तक कोई डाउट है तो एक बार मुझे बोल दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, अब देखिए ये वाला मानचित्र देखने के बाद आपको ये मानचित्र देखना चाहिए,
ये देखिए, झारखंड के नदियों का प्रवाह इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है भाई? तो झारखंड की नदियों का जो प्रवाह है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है। जो नदियां इस क्षेत्र से निकल करके उत्तर की ओर बहती है, वो सारी ये सब नदियां हैं दोस्तों, है ना, ये सारी नदियां हैं। अभी हम वर्गीकरण भी करेंगे कि झारखंड की नदियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, है ना, अभी हम समझाएंगे आपको। कुछ नदियां ऐसी हैं जो यहां से निकलती हुई इस साइड में बहती हैं, आप देख सकते हैं इस साइड में बहती हैं, ठीक है, कुछ नदियां इस साइड में बहती हैं, और ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है कि वो नदी निकल कहां से रही है और निकल करके उसका ढाल किस साइड में है। मान लेते हैं कि यहां से निकली और इसका ढाल मिला इस साइड में, तो इधर बह गई, है ना, और इस साइड से निकल के इधर अगर ढाल मिलेगा तो ज्यादातर नदियां कहां जाएंगी, तो ज्यादातर नदियां बिहार की तरफ चली जाएंगी, है ना। उसके बाद जो यहां से निकल करके इधर ढाल मिलेगा, तो इधर ढाल मिलेगा तो इधर बहती हुई पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाएगी, है ना। जो जिसको यहां से निकल करके इधर ढाल मिलेगा, वो इधर उड़ीसा की ओर चली जाएगी। तो इस तरह से झारखंड में भौगोलिक आकृति जिस प्रकार से है, या किसी भी क्षेत्र में भौगोलिक आकृति जो होता है, उसी पर निर्भर करता है क्या, उसी पर निर्भर करता है अपवाह तंत्र, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपने समझ लिया, यहां पे कुछ नदियां हैं जो आपको हम बता दे रहे हैं, फिर हम आगे फिगर में भी बताएंगे अच्छे से। यहां देखिए, ये है सोन नदी, अभी हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे। सोन नदी जो है, आप सभी जानते होंगे कि मैकॉल पर्वत श्रृंखला में एक अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है, उसी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। और झारखंड में ना, झारखंड में सोन नदी का महत्व बस झारखंड में पलामू जिले की सीमा बनाने के कारण है। अगर वो पलामू की सीमा ना बनाती तो शायद झारखंड के लोगों को सोन नदी के बारे में ना पढ़ना पड़ता, है ना। तो सोन नदी जो है ना, वो मैकाल पर्वत श्रृंखला का जो अमरकंटक की पहाड़ी है, ध्यान से सुनिएगा, सब याद हो जाएगा। मैकाल पर्वत श्रृंखला का जो अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां से निकलती है, वहां से निकलती हुई वो झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित पलामू जो जिला है, उस पलामू जिला के उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हुए पटना में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, है ना, कुछ इस प्रकार से। आप यहां पर सोन रिवर को देख पा रहे हैं, इधर से आई अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है अमरकंटक की पहाड़ी, वहां से निकल करके आई झारखंड में, घुसी नहीं, वो पलामू का बॉर्डर बनाती हुई चली गई, टच करते हुए गई गढ़वा पलामू को, है ना, और वो सीधे बिहार में जाकर के पटना के पास जाकर के मिल गई किसके साथ, गंगा के साथ। यानी सोन नदी जो है, उसका महत्व झारखंड में सिर्फ इतना है कि वो झारखंड के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करते हुए, पलामू के उत्तरी सीमा को बनाते हुए बिहार की ओर जाती है। और आप कह सकते हैं कि पलामू का जो उत्तरी सीमा है और जो थोड़ा उत्तर पश्चिम सीमा है, उसका निर्धारण करने का काम जो है वो सोन नदी करती है, समझ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अभी हम एक एक नदी के बारे में बताएंगे। उसके बाद पुनपुन नदी, पुनपुन नदी तो और ज्यादा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों भाई, पुनपुन नदी के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो झारखंड से निकलती है, है ना, झारखंड से बस उद्गम है उसका, बस यही कारण है कि आप लोग को पुनपुन नदी के बारे में पढ़ना पड़ रहा है झारखंड वालों को। ऐसे तो आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो निश्चित ही पुनपुन नदी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन झारखंड में आप लोग को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड से होता है। झारखंड से उद्गम हुआ, सीधे उत्तर की ओर बहा, उत्तर की ओर बहते हुए सीधे बिहार में प्रवेश कर गया, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख रहे हैं पुनपुन के बाद और भी कुछ कुछ नदियां हैं, जैसे कि सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु नदी, ठीक है,
फल्गु नदी का भी इंपॉर्टेंस अगर आपके लिए है तो सिर्फ झारखंडियों के लिए यही है कि फल्गु नदी का उद्गम झारखंड में, और कुछ नहीं। झारखंड से निकली चूंकि उस साइड ढाल था उत्तर की ओर, बिहार जो जो साउथ बिहार है उधर बह गई और उधर से जाकर के बिहार में बहती हुई जाकर के मिल गई नदियों में। ठीक है, अभी मुहाना उद्गम सा बताएंगे एक एक करके। ठीक है, अब देखिए ये कुछ नदियां हम आपको बताए जो इस साइड से निकली इधर की ओर बह गई। अब एक जो हमारी नदी है आपका दामोदर नदी, दामोदर नदी से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, जिसके बारे में अभी हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। दामोदर नदी की जब हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि दामोदर नदी झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ना। ये महत्वपूर्ण उद्गम से नहीं है, ये महत्वपूर्ण झारखंड की समृद्धि से हो गई है। लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलने वाली दामोदर नदी एक समय शोक नदी के नाम से विख्यात थी, है ना। जैसे ही वो बंगाल में जाती थी इतना विकराल रूप धारण करती थी कि हजारों गांव को बहा ले जाती थी बरसात के दिनों में। तो एक समय दामोदर नदी को बंगाल का शोक या बंगाल का अभिशाप कहते थे। लेकिन क्या आप अपने लाइफ में जब से आप पढ़ाई कर रहे हैं तब से आप कभी सुने हैं कि दामोदर नदी तबाही मचा रही है? बता दीजिए सच्चाई, अगर आप लोग को पता है, आप जब से पढ़ाई कर रहे हैं आपने कोसी के बारे में सुना होगा कि बिहार में कोसी ने तबाही मचाया है। क्या आपने दामोदर नदी के बारे में अपने याददाश्त में कभी सुना है कि दामोदर नदी कहीं पर तबाही मचाई है? बताइए। आनंद प्रसाद बोल रहे हैं सुने हैं, और कोई बताइए। देखिए ज्यादातर लोग कहेंगे कि दामोदर नदी की तबाही के बारे में हम लोग तो नहीं सुने हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा जरूर है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा जरूर है। लेकिन अब यह बंगाल का शोक नहीं रहा, अब यह झारखंड वासियों के लिए, बंगाल वासियों के लिए वरदान बन चुका है। क्यों भाई? क्योंकि दामोदर नदी में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय वो अमेरिका गए हुए थे, और अमेरिका गए थे तो वहां पर टेनेसी घाटी परियोजना को उन्होंने देखा, और टेनेसी घाटी परियोजना से प्रभावित होकर के दामोदर नदी में भी परियोजना बनाने का उन्होंने सोचा, है ना। और परियोजनाएं बनती चली गई। आज दामोदर नदी में इतने सारे, दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों में इतने सारे बांध बना दिए गए हैं। बांध के कारण अब बाढ़ नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि उस बांध के कारण बिजली उत्पादन भी हो जाता है। आप दामोदर नदी के किनारे बहुत सारे ताप विद्युत गृह देखे होंगे, है ना, जहां पर बिजली उत्पादन होता है। आप दामोदर नदी के सहायक नदियों के सहारे आपने पनबिजली परियोजना के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आने वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपने दामोदर नदी से संबंधित सिंचाई परियोजनाओं के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों एक समय दामोदर नदी किसी क्षेत्र में बहुत विकराल रूप धारण करते हुए बाढ़ की स्थिति ले आती थी, जिस वजह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी दामोदर को बंगाल और झारखंड का अभिशाप नहीं कहेंगे, उसे वरदान कहेंगे, है ना। वर्तमान की स्थिति यही है कि वो झारखंड के लिए और बंगाल के लिए वरदान है, क्योंकि वो नदी हमारे राज्य में और बंगाल में समृद्धि लाने का काम करती है, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन, बिजली उत्पादन, सिंचाई परियोजनाएं, बाढ़ में भी कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब दामोदर नदी के बारे में आप लोग को याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गया अभी तक? जिनको भी सेशन पसंद आया हो मेरे साथियों, एक बार आप लोग ईमानदारी से लाइक बटन को दबा दीजिए तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं।
है ना, मैंने जितना मेहनत किया है इस कंटेंट को डेवलप करने में, आपके लिए आसान बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि हर टॉपिक जो भी मैं आपको पढ़ाऊं आपको आसान लगे, ठीक है। तो अगर आपको बेहतर लगे तो आप लोग एक बार ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फालतू के कमेंट जिसको करना है करने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहां पर कुछ नदियां जैसे साउथ कोयल इस साइड में बहती है, अभी कुछ बहुत ही रोचक रोचक बातें आपको हम बताएंगे। स्वर्णरेखा नदी यहां रांची से निकलती हुई कुछ इस प्रकार से बहती हुई इधर जाती है, ठीक है। दामोदर नदी यहां से निकल करके कुछ इस प्रकार से बहती है और बंगाल में जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। एक एक करके हम बताएंगे, स्पेशली इन इस मानचित्र के जरिए हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यही समझाने के लिए हम आपको मानचित्र दिखा रहे थे दोस्तों, है ना। यही समझाने के लिए आपको हम मानचित्र दिखा रहे थे कि क्या क्यों दिखा रहे थे कि प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड में नदियों का जो वर्गीकरण हुआ है ना, वो प्रवाह की दिशा के अनुसार ही हुआ है। इस मानचित्र को दोबारा से आप लोग देखिए, इस मानचित्र को अगर आप देखिएगा तो कुछ नदियां हैं जो इस साइड बह रही है, है ना, कुछ नदियां जो है वो इस साइड इस प्रकार से बह रही है, इनकी दिशा अलग है। उसके बाद कुछ नदियां जो है वो पूरब और दक्षिण पूर्व की ओर बह रही है, इसकी दिशा अलग है। और इसी तरह से हम लोग नदियों को कर दिए हैं डिवाइड, समझे दोस्तों। कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑफ हो गया, हाँ चार्ज में तो लगा कर रहे थे। जल्दी है, जल्दी देखिए कहाँ हुआ। हाँ तब तक बोलिए ना, तब तक लैपटॉप बस रहेगा। नहीं तो यहाँ ब्लैक हो गया पूरा। हाँ तो आवाज आता होगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देख रहे हैं। एक बार बताइए आप लोग को मेरी आवाज पहुंच रही है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम? थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, जितने भी लोग अभी लाइव हैं थोड़ा सा वेट कीजिए, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। नहीं ले रहा था चार्ज। उसको लगाइए कहीं और, लगेगा
तरीका बोर्ड उड़ ले आई नहीं आता था। ज्यादा ले लेगा फिर नहीं दिक्कत होगा बोर्ड को, इसमें लगा ही ना इंटरनेट इधर हिल गया था। चलिए ठीक है सब लोग का एक बार देखिए ठीक से आ चुका है। चार्ज लैपटॉप चार्ज वाला एक बार मुझे बता दीजिए कि ठीक हो गया, स्क्रीन आ चुका है आप लोग का, साउंड का थोड़ा सा शायद चार्ज का इशू हो गया था। चलिए डन आगे बढ़े। चलिए तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, हम लोग देख रहे थे कि झारखंड की नदियों को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक ये जो वर्गीकरण हुआ है ना वो प्रवाह के दृष्टिकोण से हुआ है कि झारखंड की नदियां किधर किधर प्रवाहित होती है, उसी दृष्टिकोण से झारखंड की नदियों को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है साथियों, और इस वर्गीकरण को अगर आप देखिएगा तो दो तरह की नदियां झारखंड में बहती है। प्रवाह के दृष्टिकोण से झारखंड में जो नदियों का वर्गीकरण किया गया है, दो तरह की नदियां झारखंड में बहती है दोस्तों। एक है उत्तरवर्ती नदियां, और उत्तरवर्ती नदियों को हम लोग गंगावर्ती नदियां भी कहते हैं, है ना। इसका स्क्रीन इधर कीजिए। उत्तरवर्ती नदियों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, गंगावर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उत्तरवर्ती नदियां जो ज्यादातर नदियां हैं ना वो जाकर के गंगा में मिलती है। ठीक है, उत्तरवर्ती नदियों में जो ज्यादातर नदियां हैं वो कहां मिलती है, गंगा नदी की सहायक नदी है, उत्तर की ओर बहती है और बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो उत्तरवर्ती नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगावर्ती नदी बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे उत्तरवर्ती नदियों को, ये वो नदियां हैं दोस्तों जो पठारी भाग से, झारखंड के पठारी भाग से निकलती है, या हो सकता है झारखंड से ना भी निकले, छत्तीसगढ़ से निकले, झारखंड से होकर प्रवाहित हो। तो ये पठारी भाग से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। डेफिनेशन है ना, झारखंड में प्रवाह के दृष्टिकोण से नदियों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। बहुत लोग हड़बड़ाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि तुरंत सब कुछ बता के निकल जाऊं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस के साथ बैठ जाइए, दो घंटे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इस भरोसे मत रहिए कि मैं पढ़ा के निकल जाऊं, फिर एक बार आप पढ़ो, फिर एक बार आप पढ़ो तब याद हो। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए और आराम आराम से पढ़ाई कीजिए। जो टॉपिक आज मैं लेके आया हूं उसको खत्म करके ही जाऊंगा, ठीक है। और वो खत्म करने का मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं खत्म करूं, खत्म करने का मेरा मतलब ये है कि आपका दिमाग में मैक्सिमम चीजें 80-90% चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो उत्तरवर्ती नदियां या गंगावर्ती नदियां किनको बोलते हैं दोस्तों, वे नदियां जो कि पठारी भाग से झारखंड के या फिर छत्तीसगढ़ से भी आ रही है, पठारी भाग से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में या तो मिलती है या तो गंगा की किसी सहायक नदी में जाकर के मिल जाती है, इसको हम लोग उत्तरवर्ती नदियां बोलते हैं। ये पठार के लगभग आधे उत्तरी और पश्चिमी भाग का जल, मतलब झारखंड में जो खासकर जो उच्च भूमि है वहां पे पठार का जो उत्तर का और जो पश्चिम साइड का जो जल है वो ज्यादातर जल जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में चली जाती है, समझे। खासकर आप देखिएगा तो सोन नदी जो उधर से अमरकंटक की पहाड़ी से आ रही है, झारखंड में प्रवेश कर रही है, झारखंड के बॉर्डर से गुजरते हुए जा रही है। फल्गु नदी को देखिए, पुनपुन नदी को देखिए, ये नदियां झारखंड से निकलती है और इसके जो जल हैं वो प्रवाह किधर होते हैं, उत्तर की ओर होते हैं और जाकर के गंगा नदी में मिल जाते हैं या गंगा की किसी सहायक नदी में मिल जाते हैं।
तो प्रवाह के दृष्टिकोण से ये पहला वर्गीकरण था जिसमें हम लोग बोले उत्तरवर्ती नदियां या गंगावर्ती नदियां। अब झारखंड में उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। झारखंड में उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदियों की अगर हम बात करते हैं बफरिंग, नहीं तो बफरिंग तो नहीं होना चाहिए, उत्तरवर्ती नदियों की अगर हम बात करते हैं झारखंड में, तो सोन नदी हो गया, उत्तरी कोयल हो गया, है ना, सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी और चानन नदी। आप लोग बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं कि झारखंड में जो उत्तरवर्ती नदियां हैं, झारखंड में जो उत्तरवर्ती नदियां जिसको पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं, जो कि पठारी भाग से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी या गंगा की सहायक नदियों में मिल जाती है, उसको उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदियां बोलते हैं। झारखंड में यह नदियां कौन कौन सी हैं, तो झारखंड में सोन नदी है, झारखंड में फल्गु नदी है, पुनपुन नदी है, उसके अलावा उत्तरी कोयल है, उसके अलावा सकरी नदी है, उसके अलावा आपका चानन नदी है, और चानन नदी जिसको पंचानन भी कहते हैं, ये सारी नदियां कौन कौन सी नदियां हैं, ये झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां हैं। समझ गए, ये झारखंड की किस प्रकार की नदियां हैं, तो ये झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां हैं दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अरे थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो ना, ठीक दिखेगा, क्यों नहीं ठीक दिखेगा, साफ दिखेगा, आप थोड़ा क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिए अपना फोन में। अब चलिए, अब ये जो उत्तरवर्ती नदियां हैं उसको मैं फिगर के साथ में बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पठारी भाग से निकलती है, और जैसे सोन नदी की बात करें, ये है हमारा सोन नदी, तो सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से आ रही है और झारखंड के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण कर रही है, पलामू के उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हुए उत्तर की ओर मुड़ जाती है और पटना के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, यह है सोन नदी। उसके बाद पुनपुन नदी जो कि उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलती है और छोटानागपुर के पठार से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई बिहार में जाकर के गंगा की सहायक नदी में मिल जाती है। उसी तरह फल्गु नदी जो छोटानागपुर उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई ये भी जाकर के गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो बताया सकरी नदी, पंचानन नदी, पंचानन को चानन भी कहते हैं, ये सारी नदियां जो है दोस्तों वो क्या है, उत्तरवर्ती नदियां हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगावर्ती नदियां भी बोलते हैं। चलिए शत्रुधन एक बार आप उसको लाइव को ये कर लीजिए, आप लगता है थोड़ा बैक कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक हो गया सब। चलिए तो ये फिगर से आप समझ सकते हैं झारखंड में उत्तरवर्ती और किस तरह की नदियां को, देखिए ये वेस्ट पलामू क्षेत्र हो गया, यहां से आप देख रहे हैं कि जो पठारी भाग से जो नदियां निकल रही है वो इस प्रकार से बह रही है, मतलब प्रवाह के दृष्टिकोण से बांटा गया है, उत्तरवर्ती नदियों को गंगावर्ती नदियां बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर वो गंगा या उसकी सहायक नदियों में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है दोस्तों वो है दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां, है ना, दूसरा जो कैटेगरी है वो क्या है, दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है। ये दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां किसको बोलेंगे, ये वो नदियां हैं जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलती है ना, जो झारखंड के पठारी भाग जो भी है वहां के दक्षिणी भाग से निकलती है, जैसे रांची, रांची का पठार हो गया, रांची के पठार से के दक्षिणी भाग से जो निकलेगी वो किधर प्रवाहित होगी, जिधर ढाल होगा उधर प्रवाहित होगी, तो दक्षिणी भाग से निकलती है और निकल करके या तो पूरब की ओर बहती है या तो दक्षिण की ओर बहती है ना, या दक्षिण पूर्व की ओर बहती है,
तो ये नदियां क्या कहलाती है, दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा, प्रवाह को आप लोग समझ गए होंगे मानचित्र के जरिए कि झारखंड की नदियों को हम लोग कैसे डिवाइड किए हैं। तो झारखंड की नदियों को प्रवाह के दृष्टिकोण से डिवाइड किए हैं। आपको इस क्लास के शुरुआत में मानचित्र दिखा चुके हैं, जिस मानचित्र में झारखंड की ऊंची भूमि और झारखंड की ढाल भूमि के बारे में पूरा स्पष्ट समझा चुके हैं, उसी पर प्रवाह तंत्र निर्भर करता है। और ये भी आपको समझा चुके हैं कि किस प्रकार से झारखंड के नदियों का वर्गीकरण हुआ है, जो पठारी भाग से निकल करके उत्तर की ओर बहती है और जाकर के गंगा में मिल जाती है वो क्या कहलाती है, उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है, और जो पठारी भाग के दक्षिण छोर से निकलती है और या तो दक्षिण की ओर बहती है या फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है या फिर पूर्व की ओर बहती है, ये नदियां दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इस टाइप की नदियां झारखंड में कौन कौन सी है, दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी है। अब देखो, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलने वाली दामोदर नदी पूर्व की ओर बहती हुई पश्चिम बंगाल जाती है ना, पूर्ववर्ती नदियां हुई कि नहीं। स्वर्ण रेखा नदी को देखो, तो स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरी क्षेत्र से निकलती है और किधर जाती है, तो दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई सिंहभूम पे प्रवेश कर जाती है ना, तो हुई कि नहीं दक्षिणवर्ती नदी या पूर्ववर्ती नदी। मयूराक्षी नदी की बात करें, त्रिकूट पहाड़ी देवघर से निकलते हुए पूरब की ओर बहती है, तो मयूराक्षी नदी हो गई। गुमानी नदी हो गया, ब्राह्मणी नदी हो गया है ना, बसलोई नदी जो बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलता है, अजय नदी जो बिहार के मुंगेर से निकल करके झारखंड में प्रवेश करती है, दक्षिणी कोयल नदी हो गया, बराकर नदी हो गया, शंख नदी हो गया, ये सारी नदियां, मतलब झारखंड की ज्यादातर नदियां जो है वो किस प्रकार की नदी है, दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी है ना। चार पांच नदियां ही केवल क्या है, उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदियां हैं, लेकिन झारखंड की ज्यादातर नदियां क्या है, दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, देखिए जहां तक सवाल है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, स्मृति वर्मा जी सबको दिखाई पड़ रहा है ना, आप लोग थोड़ा सा अपनी मोबाइल में जो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी उसको बढ़ा के देखिए, आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। मेनली देखिए, मेनली क्या होता है ना, लेक्चर सुनना होता है, जब आप क्लास कर रहे होते हैं तो आपका मोटो क्लास में अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो बोला जा रहा है उसको सुनना। लेकिन आप लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रीन को ही समझते हैं, जब स्क्रीन से ही सब कुछ समझना होता तो फिर टीचर की आवश्यकता ही नहीं होती। आप लोग इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं जो इतना बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं वो सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इसको देखना उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको जहां तक देखने की सवाल है वो भी सबको दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। अब किसी का इंटरनेट स्लो है तो लो क्वालिटी में उसका मोबाइल में शो कर रहा है ना। तो क्लास का मतलब होता है सुनना, जो समझाया जा रहा है उसको समझना। चलिए, तो आपने समझ लिया, अब मुझे बताइए आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं है ना, बिल्कुल एकदम समझ रहे हैं कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि झारखंड में उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदियां किसको बोलते हैं, चलिए बोलिए, आप तो अकेले बैठे हैं है ना, आप भीड़ में तो नहीं बैठे ना जो आप शर्माएंगे, आप अकेले बैठे हैं, बोलिए मेरे साथ, मैं सुन रहा हूं, समझ लीजिए कि मैं सुन रहा हूं, बोलिए कि झारखंड में उत्तरवर्ती नदियां या गंगावर्ती नदियां किसको बोलते हैं। जी बहुत बढ़िया, जो लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है, किसको बोलते हैं दोस्तों, कि झारखंड के पठारी भाग से या किसी अन्य राज्य के पठारी भाग से जो बहती हुई उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा नदी में मिल जाती है उसको उत्तरवर्ती नदियां बोलते हैं। झारखंड में उत्तरवर्ती नदियां कौन कौन सी हैं, उदाहरण भी आपको याद हो गया होगा,
सोन नदी है, उत्तरी कोयल है, फल्गु नदी है, पुनपुन नदी है, सकरी नदी है, चानन नदी। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, कौन कौन सा है मेरे दोस्त? सोन नदी है, उसके बाद उत्तरी कोयल है, कौन कौन सा है? सोन नदी है, उत्तरी कोयल है, फल्गु नदी है, पुनपुन नदी है, सकरी नदी है, चानन नदी है। ये कैसी नदियां हैं? उत्तरवर्ती नदियां। अब चलिए मेरे साथ साथ बोलिए दोस्तों कि दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां किसको बोलते हैं? दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां किसको बोलते हैं? मेरे साथ साथ बोलिए, झारखंड के पठारी भाग के दक्षिण छोर से निकलती हुई जो नदियां दक्षिण की ओर या पूरब की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, वैसी नदियों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। झारखंड में ऐसी नदियां कौन कौन सी हैं? तो बोलो मेरे साथ साथ, कौन कौन सी हैं? दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, बराकर नदी है ना, उसके अलावा आपका हो गया मयूराक्षी नदी है, बसलोई नदी है ना, उसके अलावा ब्राह्मणी नदी है, अजय नदी है। ये सारी नदियां कैसी नदियां हैं? ये सारी नदियां दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां हैं। बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा सब लोग। एक बार फिर से, दामोदर कौन कौन सी दक्षिण दक्षिणवर्ती नदियों की संख्या ज्यादा है ना, मतलब ज्यादा बार रिपीट कीजिए। दक्षिणवर्ती नदियां कौन कौन सी है? दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती दोनों एक ही है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, गुमानी नदी, ब्राह्मणी नदी है ना, बसलोई नदी, अजय नदी, दक्षिणी कोयल, बराकर, शंख नदी। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, कौन कौन सा नदी है दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती? बोलो, दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी है झारखंड में? सबसे पहले तो उसका बहाव जान लो। बहाव किधर है? पठारी भाग के दक्षिण छोर से निकली, दक्षिण की ओर बही या पूरब की ओर बही या दक्षिण पूर्व की ओर बही? कौन कौन सी नदी है? दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, बराकर नदी है, दक्षिणी कोयल नदी है, शंख नदी है, मयूराक्षी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, बसलोई नदी है, अजय नदी है। ये सारी नदियां कौन सी नदियां हैं? दक्षिणवर्ती नदियां हैं। ये सारी नदियां कौन सी नदियां हैं? ये सारी नदियां जो है वो पूर्ववर्ती नदियों में आते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए वेरी गुड। अब इसको भी फिगर में दिखा रहे हैं आपको। ये देखो झारखंड की दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियों को, झारखंड को बिल्कुल कटिंग कर दिए उस साइड। अब देखो कौन कौन सी नदियां हैं यहां पर, आप यहां पर बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। देखिए, ये हो गया आपका साउथ कोयल, ठीक है? कौन सा? साउथ कोयल हो गया। साउथ कोयल उड़ीसा की तरफ जा रही है, यानी दक्षिण की तरफ जा रही है ना। उसके तरह उसके अलावा आप यहां पर देख पा रहे होंगे किसको? स्वर्णरेखा नदी को, है ना। यहां पर आप स्वर्णरेखा को देख पा रहे होंगे, तो स्वर्णरेखा नदी यस आपका किधर जा रही है? पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल को होते हुए ये जा रही है कहां पे? तो जा रही है बंगाल की खाड़ी में, है ना। उसके अलावा आप यहां पर देख रहे होंगे अजय नदी को, जो बिहार के मुंगेर से आती है, झारखंड से होते हुए ये इस साइड बहती है ना। उसके अलावा आप देख रहे होंगे किसको भाई, कहां गया दामोदर? दामोदर यहां पर दिख रहा है क्या? हाँ देखो, ये है आपकी दामोदर नदी, इस तरह से बह रही है दामोदर नदी, है ना। तो दामोदर हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, आपका यहाँ पर अजय हो गया, आपका यहीं पे मयूराक्षी नदी हो गया, आपका यहाँ पर दक्षिणी कोयल हो गया, आपका यहाँ पर शंख नदी हो गया। ये सारी नदियां किस तरह की नदियां हैं? तो दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां हैं। समझ रहे हैं? इसको नींद आ रहा है, सो जाए यार, मैं तो पहले ही बोला हूं ना, जिसको नींद आ रही, जिस पेशेंस है परीक्षा निकालने का, अगर जुनून है तो पढ़ोगे, नहीं तो नींद भी आएगा, कुछ और भी करने का मन करेगा। इसलिए जिसको पढ़ना है, पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जो इच्छा पर निर्भर करती है ना। इच्छा के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। और इच्छा कैसे आती है? जब जुनून आती है। पढ़ाई एक ऐसा चीज जिसका इच्छा ऐसे नहीं होगा, जुनून आना चाहिए, जो पाना है ना उसकी जुनून आना चाहिए।
तो दोस्तों इस फिगर से आपने देखा किस तरह की नदियों को, दक्षिणवर्ती नदियों को, किस तरह की नदियों को, दक्षिणवर्ती नदियों को। अभी और भी फिगर दिखाएंगे आपको, बहुत ही बेहतरीन फिगर आपको दिखाने वाले हैं, वेट करिए। पहले एक एक करके नदियों के बारे में जान लीजिए। उत्तरवर्ती नदियां हम लोग पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे, उत्तरवर्ती नदियां पढ़ रहे थे। उत्तरवर्ती नदियां सबसे पहले पढ़े, और उत्तरवर्ती नदियों में हमने क्या देखा सबसे पहले, तो हमने देखा सोन नदी के बारे में। किसके बारे में, सोन नदी के बारे में। सोन नदी का महत्व क्या था, सोन नदी का महत्व सिर्फ इतना ही था झारखंड में कि वो पलामू जिले का सीमा बनाती है ना, पलामू जिले के उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। तो सोन नदी जो पलामू जिले की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, इससे यही बस इंपॉर्टेंट है सोन नदी के बारे में। और इसीलिए सोन नदी के बारे में हमको आपको सब कुछ जानना चाहिए। क्यों, क्योंकि झारखंड में है ना। तो देखो सोन नदी के बारे में क्या क्या चीजें हैं, इसको हमको समझना जरूरी है। सोन नदी झारखंड के उत्तर पश्चिम छोर में, अभी हम मैप में दिखा चुके हैं, इसे दोबारा आप इमेजिन कीजिए, दोबारा हम दिखाएंगे नहीं, आप खुद इमेजिन कीजिए कहां पर हम आपको दिखाए थे, ठीक है। या आप एक कोई मानचित्र लेकर के बैठे हैं, चूंकि हम पहले आपको बताया कि नदी पढ़ाएंगे मानचित्र के साथ, तो अगर आप मानचित्र लेकर बैठे हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सोन नदी के बारे में बात करें तो झारखंड, देखो झारखंड का ये वाला जो छोर है ना उत्तर पश्चिम छोर, तो उत्तर पश्चिम छोर में सीमा का निर्माण करती है और पलामू की उत्तरी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। पलामू जिला कौन से कोने में है, पलामू जिला तो आपका उत्तर पश्चिम कोने में, गढ़वा के जस्ट बगल में पलामू जिला है, ठीक है ना। तो पलामू जिला का सीमा बनाती है ये नदी, जो है झारखंड के उत्तर पश्चिम छोर से मतलब इंटर करती है और पलामू के उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हुए बिहार की तरफ जाकर के मुड़ जाती है, ठीक है। सोन नदी के उद्गम सबको याद रहता है, किसी को भूलने की जरूरत नहीं है। सोन नदी के उद्गम की अगर हम बात करें साथियों, तो सोन नदी का उद्गम जो होता है मैकाल पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक नामक पहाड़ी से होता है। कहां से होता है, मैकाल पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक नामक पहाड़ी से किसका, सोन नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके अलावा सोन नदी को और किस किस नाम से जानते हैं, पता है आप लोगों को, सोन नदी को ना झार, सोन नदी को और किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको सोनभद्र के नाम से भी जानते हैं। सुन लेना, लिखा हुआ पर ध्यान मत दो यार, पीडीएफ तो आपको ऐप में मिलेगा ही, है ना। सोन नदी को किस नाम से जानते हैं, तो सोन नदी को सोनभद्र कहते हैं, और क्या बोलते हैं, तो सोन नदी को हिरण्य, क्या बोलते हैं, सोन नदी को हिरण्यवाह कहते हैं, है ना। एक तो सोनभद्र नाम से जानते हैं, दूसरा हिरण्यवाह। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड से प्रवाहित होने वाली किस नदी को हिरण्यवाह नाम से जाना जाता है, है ना। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड की किस नदी को सोनभद्र नाम से जाना जाता है, तो सोनभद्र तो आराम से पकड़ा जाएगा, आप लोगों को याद हो गया होगा, सोन नदी को ही सोनभद्र कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिरण्यवाह नदी किसे कहते हैं, झारखंड की किस नदी को, झारखंड से प्रवाहित होने वाली किस नदी को हिरण्यवाह नाम से जानते हैं, तो वो कौन सी नदी है दोस्तों, वो नदी है कौन सा, सोन नदी, ठीक है। कहां से निकलती है भाई, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, देखो उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है, तो निश्चित ही गढ़वा को भी टच करती है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, है ना। देखो इसके बाद अब आपसे ये पूछा जाए, हिरण्यवाह, हिरण्यवाह इसलिए नाम पड़ा है ना, क्योंकि कहा जाता है कि हिरण्यवाह इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सोन नदी में भी सोने के कण पाए जाते हैं, है ना। और इसकी जो रेत है वो थोड़ी क्या है, सुनहरी है। तो कहा जाता है सोन नदी के विषय में, इसका नाम हिरण्यवाह इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर स्वर्ण कण पाए जाते हैं, है ना, और इसकी रेत जो है सुनहरी रेत है, इसी वजह से इस नदी को क्या बोलते हैं, हिरण्यवाह कहते हैं। इसी वजह से इस नदी को क्या बोलते हैं, हिरण्यवाह नाम से भी जानते हैं, समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग। चलो उसके बाद सोन नदी के बारे में, इसका महत्व केवल सीमा के कारण झारखंड में है,
यह उत्तर पश्चिम सीमा 24 किलोमीटर मतलब झारखंड का उत्तर पश्चिम सीमा मात्र यह 24 किलोमीटर ही बनाती है, इसी कारण आपको पूरा सोन नदी के बारे में जानना है। ठीक है, यह नदी भवनाथपुर जो कि गढ़वा में है ना, भवनाथपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी के उत्तरी छोर और कैमूर पहाड़ी की खड़ी ढाल के बीच में प्रवाहित होती है। मतलब कि कैमूर पहाड़ी जो है दोस्तों वो बिहार में है ना, कैमूर पहाड़ी बिहार के दक्षिण पश्चिम छोर में है। उस कैमूर पहाड़ी और झारखंड में गढ़वा में जो भवनाथपुर है, भवनाथपुर के उत्तर में एक पहाड़ी है, उस दोनों पहाड़ी के बीच से सोन नदी का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, यानी कि कॉर्नर में, बिहार के दक्षिण पश्चिम सीमा का कॉर्नर में जो कैमूर की पहाड़ी है और झारखंड के गढ़वा में जो भवनाथपुर के उत्तर में पहाड़ी है, भवनाथपुर पहाड़ी, उन दोनों पहाड़ी के बीच में से सोन नदी गुजरती है और पलामू के उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये सोन नदी के बारे में आपने जाना। आपको ये भी बता दूं कि सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड में कहां कहां है, तो बस दो ही जिला है, गढ़वा और पलामू है। कहां भाई मिलती है जाकर के, तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और ये पटना के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी पटना जाकर के गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है ये। और सोन की सहायक नदी अगर हम झारखंड के अंदर बात करें तो, सोन की सहायक नदी अगर हम झारखंड में बात करें तो उत्तरी कोयल जो है ना वो सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो है वो सोन की सहायक नदी है दोस्तों, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, सारे पॉइंट याद हो गए सोन नदी के बारे में। अभी तो एक घंटा हुआ है भाई, अभी रुको, बहुत सारी नदियां पढ़नी है, कहीं जाना नहीं है। जो आज टिक गए वो नदी के बारे में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा उनको, टिकना जरूरी है लास्ट। ठीक है, चलिए, तो सोन नदी कहां से निकलती है, एक बार रिवीजन फटाफट, एक मिनट में रिवीजन। सोन नदी के बारे में झारखंड में क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये झारखंड के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है और पलामू के उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, इसलिए पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, कहां से निकलती है, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। झारखंड में इसका प्रवाह किन किन जिलों में है दोस्तों, तो झारखंड में इसका प्रवाह गढ़वा और पलामू दो ही जगह है ना। उसके बाद सोन नदी का के बारे में बात करें तो सोन नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो सोन नदी को सोनभद्र भी कहते हैं, सोन नदी को हिरण्यवाह भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सोन नदी में स्वर्ण कण भी पाए जाते हैं। और क्यों, क्योंकि सोन नदी की जो रेत है वो क्या है, सुनहरी है, इसीलिए इसको हिरण्यवाह नदी भी कहते हैं। ठीक है, सोन नदी का मुहाना कहां बनता है, तो पटना के पास जाके गंगा नदी में जाकर के सोन नदी मिल जाती है। कहां कहां के बीच में बहती है झारखंड के उत्तर पश्चिम छोर में, तो सोन नदी जो है ना वो कैमूर पहाड़ी जो बिहार के दक्षिण पश्चिम में है और झारखंड में, झारखंड में जो भवनाथपुर पहाड़ी है उसके उत्तर भाग में बीच से गुजरती है और पलामू की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। हो गया रिवीजन, अब चलिए इसकी सहायक नदी हो गई कौन सी, उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो कि जाकर के सोन नदी में मिल जाती है, इसलिए उत्तरी कोयल को हम लोग इसका सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, ये रोचक तथ्य है। ये क्या है, ये रोचक तथ्य है और रोचक तथ्य थोड़ा सा मजा आता है जानने में। चलिए सुनो सुनो सुनो, रोचक तथ्य क्या है, देखो भाई, अमरकंटक की पहाड़ी से आप लोगों ने सुना होगा कि एक नर्मदा नदी भी निकलती है और नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। समझ गए, नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, होता है कि नहीं। कहा यह जाता है, रोचक तथ्य यह है कि ब्रह्मा जी जो थे ना, ब्रह्मा जी जो थे उनके आंसू का दो बूंद जो है वो गिर गया था, समझे, ब्रह्मा जी रो रहे थे और उनके आंसू का दो बूंद जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी पर गिर गया था और उसी दो बूंदों में से
एक बूंद जो है एक अलग दिशा में प्रवाहित हो गया और दूसरा बूंद अलग दिशा में प्रवाहित हो गया। एक बूंद जो आंसू है वो नर्मदा नदी का निर्माण कर दिया, तो दूसरा बूंद जो आंसू है वो सोन नदी का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये एक रोचक तत्व है। ये क्या है? रोचक तत्व है दोस्तों। सोन नदी के बारे में कहा जाता है ना कि सोन और नर्मदा का उद्भव कैसे हुआ है? सोन और नर्मदा का उद्भव ब्रह्मा जी के आंसू से हुआ है। ब्रह्मा जी का आंसू गिरा था कहां? अमरकंटक की पहाड़ी पर, मैकाल पर्वत श्रृंखला पर गिरा था। एक बूंद आंसू जो है वो बह गया पश्चिम की ओर और वो बन गया कौन सा? वो बन गया नर्मदा नदी। और दूसरा बूंद आंसू जो है वो बह गया उत्तर की ओर और बन गया कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, चलिए अब ये देखो अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तरी कोयल। सबसे पहले अभी आप लोग जान गए अभी पिछले वाले नदी में कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। याद हो चुका है ना भाई, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है कि नहीं? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की सहायक नदी है, सबको पता है ना। चलो दूसरी बात, उत्तरी कोयल के बारे में अगर हम जाने तो उद्गम के बारे में जानते हैं, है ना। उत्तरी कोयल कहां से उद्भव होता है, उत्तरी कोयल का उद्गम कहां से होता है? तो दोस्तों उत्तरी कोयल का उद्गम जो होता है वो रांची के पठार के मध्य भाग से होता है। ठीक है, उत्तरी कोयल का उद्गम या उत्तरी कोयल का उद्भव कहां से होता है? रांची के पठार के मध्य भाग से उत्तरी कोयल का उद्भव होता है। ठीक है, रांची के पठार के मध्य भाग से उत्तरी कोयल नदी का उद्भव होता है। और ये जो उत्तरी कोयल नदी है सोन नदी में जाकर के मिल जाती है, इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं कि सोन नदी की ये क्या है? सहायक नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का उद्भव कहां से होता है दोस्तों? रांची पठार के मध्य भाग से होता है। अभी हम फिगर में आपको दिखाए भी थे उत्तरी कोयल को, अभी जो शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको मानचित्र में हम सब कुछ दिखाए थे कि कैसे उत्तरी कोयल का उद्गम रांची के पठार से होता है, उत्तर की ओर बहती हुई जाकर के सोन नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें उत्तरी कोयल की तो गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है, काफी लंबा है। 255 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र उत्तरी कोयल का झारखंड में है। उत्तरी कोयल परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उद्घाटन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिससे झारखंड और बिहार दोनों राज्यों को लाभ मिल रहा है ना। तो दोस्तों उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। कहां से निकलती है? तो रांची के पठार के मध्य भाग से निकलती है। और उत्तरी कोयल तो सोन की सहायक नदी है, लेकिन उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो औरंगा नदी और अमानत नदी, है ना, याद रखिएगा। औरंगा और अमानत नदियां जो है, दोनों नदियां वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो सोन तो आपको याद हो गया, उत्तरी कोयल के बारे में क्या क्या याद रखना है? पहली बात, उत्तरी कोयल का उद्गम कहां से होता है? तो रांची के पठार के मध्य भाग से होता है। कहां से होता है भाई? रांची के पठार के मध्य भाग से होता है। बहती हुई कहां जाके अपना मुहाना बनाती है? तो सोन नदी में जाकर के मुहाना बनाती है। तीसरी बात कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो झारखंड के किन किन जिलों में है? तो गढ़वा में है, पलामू में है, लातेहार में। तीनों पलामू प्रमंडल का डिस्ट्रिक्ट है ना, गढ़वा, पलामू, लातेहार, तीनों पलामू प्रमंडल के डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रवाह क्षेत्र है 255 किलोमीटर। सोन उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है औरंगा और अमानत नदी। कौन कौन सी? औरंगा और अमानत नदी जो है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी। क्लियर हो गया सबको? चलिए वेरी नाइस। अब देखो औरंगा और अमानत नदी जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है उसके बारे में भी जान। औरंगा नदी, औरंगा नदी का उद्गम जो है ना रांची जिला में ही एक सोहिदा गांव है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है और लगभग लोग इसमें फंस सकते हैं, है ना, एकदम गड़ा हुआ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में इक्का दुक्का पूछता है और जनरली लोग नहीं पढ़े हुए रहते हैं। तो याद रखना दोस्तों औरंगा नदी के बारे में,
कि औरंगा नदी जो कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? तो रांची जिले में एक सोहिदा गांव है ना, सोहिदा गांव से इसका औरंगा नदी का उद्गम होता है, और 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये उत्तरी कोयल में मिल जाती है। इसलिए औरंगा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो उत्तरी कोयल की ट्रिब्यूटरी है ना। औरंगा नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ये सोहिदा गांव रांची से निकलती है औरंगा नदी और जाकर के उत्तरी कोयल में मिल जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो अमानत नदी के बारे में। औरंगा और अमानत दोनों उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा नदी निकलती है कहां से? रांची से निकलती है, रांची के सोहिदा गांव से निकलती है। और अमानत नदी जो है ना वो हजारीबाग जिले से निकलती है और डाल्टनगंज के पास उत्तरी छोर में, डाल्टनगंज के थोड़ा सा उत्तर में जाकर के वो उत्तरी कोयल में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में बात की? अमानत नदी के बारे में। तो औरंगा अमानत भी आपको याद हो गया ना। कंटिन्यू देखिए, टुकड़ा टुकड़ा में देखिएगा तो फिर वो ही हाल रह जाएगा। पूरा क्लास को रेगुलर देख लीजिएगा शुरू से अंत तक ना, तो देखिएगा औरंगा नदी का उद्गम कहां बताए? रांची के सोहिदा गांव से बताए। वो जाकर के किसमें मिल जाती है? उत्तरी कोयल में मिल जाती है। उसी तरह अमानत नदी का उद्गम कहां से? हजारीबाग से होता है और डाल्टनगंज के उत्तर छोर में जाकर के वो भी उत्तरी कोयल में मिल जाती है। इस प्रकार से उत्तरी कोयल रिवर का ट्रिब्यूटरी है औरंगा और अमानत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो एक और नदी है, बुढ़ा नदी। बुढ़ा नदी, बुढ़ा नदी जो है ना यह भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है ना। बुढ़ा नदी के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे क्योंकि आप लोग झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में पढ़े होंगे, बुढ़ा घाघ जलप्रपात है ना। तो बुढ़ा नदी की अगर हम बात करें झारखंड में, तो यह महुआ टाण क्षेत्र जो कि कहां है दोस्तों? लातेहार में है ना, महुआ टाण लातेहार में है ना। तो महुआ टाण क्षेत्र से बुढ़ा नदी निकलती है और सेरेंग दाग पाट क्षेत्र है, सेरेंग दाग नाम का पाट है, उसके दक्षिण में उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है। तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी आपको कौन कौन सा याद हो गया बोलिए मेरे साथ, कौन कौन सा? औरंगा नदी, अमानत नदी और बुढ़ा नदी। औरंगा, अमानत और बुढ़ा नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा का उद्गम रांची के सोहिदा गांव से, अमानत का उद्गम हजारीबाग से और बुढ़ा नदी का उद्गम जो है वो महुआ टाण क्षेत्र से निकलती है और सेरेंग दाग के दक्षिण में जाकर के उत्तरी कोयल में मिल जाती है। इस प्रकार ये तीनों नदियां उत्तरी कोयल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बूढ़ा घाघ नदी से बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण होता है जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर हम फीट में बात करें तो 466 फीट, अगर हम मीटर में बात करें तो 142 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, समझ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो महु आप लोग गए भी होंगे शायद, बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार में है। यह है उसका एक छोटा सा तस्वीर बूढ़ा घाघ जलप्रपात का, है ना, आप लोग जरूर घूमे होंगे। चलिए वेरी गुड, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं क्योंकि लगभग 1.5 घंटा होने को है।
चलिए ठीक है, तो ये भी आपने जान लिया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी हम आपके बीच लाए हैं, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग भी मानते होंगे जो लोग जेपीएससी की परीक्षा दिए थे, ठीक है, जेपीएससी की परीक्षा आप लोग जो लोग दिए थे वो लोग कन्हर नदी के बारे में ये तो समझ गए होंगे कि कन्हर नदी को बहुत डीप में जानना है, और झारखंड की किसी भी किताब में कन्हर नदी के बारे में वो बात नहीं लिखा हुआ था जो कि सवाल में पूछा गया था, जो कि ऑप्शन में दिया गया था जेपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। आज कन्हर नदी को गहराई से समझ लीजिए आप लोग, कन्हर नदी के बारे में हम एक एक चीज बता देंगे और कन्हर नदी को मानचित्र में भी आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। देखिए कन्हर नदी की अगर हम बात करें, ये नदी जो है ना छत्तीसगढ़ से आती है, सरगुजा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, सरगुजा से आती है और गढ़वा में प्रवेश करती है। गढ़वा में ही क्या करती है ना, ये गढ़वा का जो पश्चिमी छोर है उसी छोर में गढ़वा के तीन प्रखंडों को क्रॉस करती है ना, और यहां तक कि अभी हम क्रॉस करना नहीं बोलेंगे, गढ़वा के तीन प्रखंडों को की पश्चिमी सीमा को छूते हुए, है ना, गढ़वा के तीन प्रखंडों की पश्चिमी सीमा को छूते हुए वापस पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अभी हम मानचित्र से आपको दिखाएंगे, और इस प्रकार से कन्हर नदी जो है वापस पश्चिम की ओर मुड़ करके उत्तर प्रदेश चली जाती है, समझे। तो देखिए कन्हर नदी जो है झारखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गढ़वा के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्माण करती है। बोला जाएगा कौन सी नदी जो है वो गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है, इंपॉर्टेंट तो है ही भाई, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा था, है ना। कन्हर नदी वो नदी है दोस्तों जो कि गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है ना, और गढ़वा जिला का दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि गढ़वा झारखंड का एक लौता ऐसा जिला है जो तीन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, गढ़वा छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है, यूपी के साथ भी सीमा बनाता है, बिहार के साथ भी सीमा बनाता है कि नहीं। तो तीन राज्यों की सीमा बनाने के कारण गढ़वा जिला तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और जो नदी गढ़वा जिला के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण करेगी वो भी तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना। तो दोस्तों याद रखना कन्हर नदी जो है वो गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए ये दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्माण करती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है पहले, मतलब पश्चिम सीमा गढ़वा का भी फिगर भी दिखाएंगे, प्रवाहित होती है उसके बाद पश्चिम की ओर वापस मुड़ जाती है और उत्तर प्रदेश में सोन नदी में मिल जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि कन्हर नदी किसकी सहायक नदी है तो कन्हर नदी सोन नदी की सहायक नदी है। कन्हर नदी सरगुजा से निकलती है, सरगुजा पड़ता है छत्तीसगढ़ में, सरगुजा से निकल करके गढ़वा के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, उत्तर की ओर बहती हुई पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और फिर वापस पश्चिम की ओर मुड़ करके उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी में मिल जाती है ना। ये बात आपको समझ में आ गया। आप इस फिगर को आप लोग ध्यान पूर्वक देखें, ये मैंने खुद से बनाया है ताकि आपको समझाया जा सके, ठीक है। थोड़ा छोटा करेंगे तो ब्लॉक आपको हम दिखा पाएंगे। देखिए ये है कन्हर नदी, कौन सी नदी? कन्हर नदी सरगुजा से प्रवेश कर गई कहां? गढ़वा जिले में, ठीक है।
सरगुजा से कहां प्रवेश कर गई दोस्तों? सरगुजा से ये गढ़वा जिले में प्रवेश कर गई। ठीक है, गढ़वा जिले में तीन प्रखंड, एक प्रखंड है भंडरिया, यह हम थोड़ा अलग कलर से लिख दे रहे हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जहां पर ये गढ़वा जिले में प्रवेश करती है कन्हर नदी, उस ब्लॉक का नाम है भंडरिया। ठीक है, इसके बाद भंडरिया के बाद जो ब्लॉक आता है वो है रंका। ठीक है, क्लास चलता रहेगा, खाना ले आइए कविता सामने में, खाना खाते खाते देख लीजिए। ठीक है, क्लास अभी जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा क्लास चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो भंडरिया में क्या करती है, भंडरिया में ये प्रवेश करती है, किसमें? गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। कहां पे? भंडरिया में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद ये रंका प्रखंड के पश्चिमी सीमा से बहती हुई है ना, रंका प्रखंड के पश्चिमी सीमा से बहती हुई एक और प्रखंड है। ये प्रखंड आप लोग को शायद याद होगा, गढ़वा का धुरिया टाइप का, धुरिया जैसा नाम है कुछ, यहां पर स्पष्ट दिख नहीं रहा है, आप लोग अगर बताइए गढ़वा का कुछ ब्लॉक का नाम आपको याद है, धुरकी, हाँ याद आ गया। देखिए भंडरिया, देखिए कन्हर नदी की बात कर रहे हैं, कन्हर नदी जो है ना छत्तीसगढ़ में सरगुजा है, सरगुजा से निकलती है और झारखंड में वो कहां पर प्रवेश करती है? एग्जैक्ट गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है और फिर ये उत्तर की ओर बहने लगती है। उसके बाद गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करते हुए धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है और धुरकी प्रखंड से ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और यूपी में जाकर के ये सोन नदी में मिल जाती है। समझ गए? बोलिए। तो क्या क्या जाने आप कन्हर नदी के बारे में? कन्हर नदी इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि वो गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें जानना है कि कन्हर नदी किसकी सहायक नदी है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में सोन नदी में जाकर मिल जाती है इसलिए कन्हर किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। ठीक है, उसी तरह कन्हर की बात करें तो कन्हर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सरगुजा से होता है जो कि छत्तीसगढ़ में है। कन्हर नदी सोन नदी में मुहाना कहां बनाती है? तो उत्तर प्रदेश में बनाती है। कन्हर नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड में कहां है? तो सिर्फ गढ़वा जिले में है और उसमें भी ब्लॉक तक आपको याद हो गया क्योंकि वो तीन ब्लॉक से होकर गुजरती है, उसकी सीमा का निर्धारण करती है। भंडरिया ब्लॉक में वो गढ़वा में प्रवेश करती है, रंका ब्लॉक के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करते हुए है ना, कौन सा ब्लॉक? धुरकी ब्लॉक के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करते हुए भी वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और यूपी में जाकर वो क्या बना, सोन नदी में मिल जाती है। बोलो अब कन्हर नदी से कोई सवाल छूटेगा क्या आपका? बता दीजिए एक बार, कन्हर नदी का सारा बात बता दिया आपको, सरगुजा से निकलना, सोन नदी में मिलना, सोन नदी में कहां मिलना? तो यूपी में मिलना है ना। सरगुजा कहां पर है? छत्तीसगढ़ से निकलना, यूपी में जाकर मिलना, झारखंड के दक्षिण उत्तर पश्चिम, जो गढ़वा का जो दक्षिण पश्चिम सीमा है उसका निर्धारण करते हुए यूपी की ओर मुड़ जाना और जाकर के सोन नदी में मिल जाना। इस प्रकार से पूछेगा कि कन्हर नदी झारखंड में कहां प्रवेश करती है? तो गढ़वा में। और कहां से निकलती है? तो गढ़वा में। किस प्रखंड में प्रवेश करती है? तो भंडरिया प्रखंड में। और कहां से निकलती है वो वापस यूपी की तरफ? तो धुरकी प्रखंड से वो निकल जाती। क्लियर है दोस्तों? अरे बोलो। तो ये आपने यहां पर जान लिया किसके बारे में? अरे बोलो किसके बारे में? कन्हर नदी के बारे में।
ठीक है ना। ये हो गया भंडरिया ब्लॉक, ये हो गया रंका ब्लॉक, ये हो गया धुरकी ब्लॉक, है ना, भंडरिया रंका धुरकी। चलो अब पुनपुन के बारे में जान लो। पुनपुन नदी में जो है ना वो भी थोड़ा सा गलती कर दी, तभी आपको पढ़ना पड़ रहा है। झारखंड से बस निकल गई, वो उद्गम हो गया, फिर बिहार में घुस गई। ठीक है, अगर वो उद्गम यहां से ना हुई होती, थोड़ा सा और आगे बढ़ के हुई होती, तो शायद आपको नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन अब पढ़ना है तो पढ़ लो भाई। पुनपुन नदी जो है ना, इसका बस उद्गम झारखंड से होता है, इसीलिए पढ़ना है आपको, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है झारखंड के दृष्टिकोण से। अब जब उद्गम हो गया तो पुनपुन नदी के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। बोलिए। तो दोस्तों, इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार में पलामू से होता है। पुनपुन नदी कहां से निकलता है? तो पलामू से निकलता है, और छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग है, आप सभी जानते हैं, यहां से यह निकलता है। ठीक है, उसके बाद हिंदू धर्म में ना पुनपुन नदी को पवित्र नदी माना जाता है। हिंदू धर्म में पुनपुन नदी को पवित्र नदी मानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा पुनपुन नदी के बारे में, उद्गम तो आपको याद हो ही गया है, पुनपुन नदी को किकट नदी भी कहते हैं और बमागधी भी कहते हैं। सुमागधी भी ऑप्शन में रहेगा, मार मत देना, गलती हो जाएगा, सुमागधी अलग है। तो झारखंड में प्रवाहित होने वाली या झारखंड से उद्गम होने वाली किस नदी को बमागधी कहते हैं, किस नदी को किक्कट कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, पुनपुन नदी को किक्कट भी बोलते हैं और बमागधी भी बोलते हैं। पुनपुन नदी को किक्कट नदी भी बोलते हैं और बमागधी नदी भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, पलामू यानी उत्तरी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से निकलती है और सीधे उत्तर की ओर बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। अब आपसे पूछेगा कि झारखंड में प्रवाह कहाँ कहाँ है, तो बस दो जिला में प्रवाह होता है, पलामू और चतरा में। कहाँ कहाँ होता है? पलामू और चतरा, दो ही जगह प्रवाह होता है। पुनपुन नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियों जैसे पुनपुन और इसकी जो सहायक नदियां है ना, उसके उद्गम से ही झारखंड का इंपॉर्टेंस है। पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि वो जाकर के बिहार में जाकर के किस में मिल जाती है? बिहार में जाकर वो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया पुनपुन? पुनपुन लोग क्लियर हो गया? नदी पढ़ाते पढ़ाते प्यास बहुत लग रहा है। चलिए, तो पुनपुन भी क्लियर। अब चलो फल्गु के बारे में जानते हैं। फल्गु के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते भी हैं। ठीक है, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। ठीक है, फल्गु नदी का उद्गम कहाँ? तो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में फल्गु भी निकलता है और पुनपुन भी निकलता है। ठीक है, मोहाने नदी, निरंजना नदी और लीलाजन नदी, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। ये जो छोटी छोटी नदियों की जो धरा जो सरिताएं हैं वो सब जब मिलती है ना, तब जाकर के फल्गु नदी की मुख्य धारा बनती है, समझे? यानी आप कह सकते हैं मोहाने नदी, निरंजना नदी और लीलाजन नदी, ये तीनों छोटी छोटी नदियों की जो सरिताएं हैं जब एक साथ मिल जाती है, तब जाकर के फल्गु नदी की मुख्य धारा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये सब हम मैप में क्या दिखाएं, आप लोग इतना तो महसूस कर ही रहे हैं कि झारखंड का उत्तर का जो मानचित्र है, उत्तर में ही कहीं से निकल करके सीधे वो बिहार में घुस जा रही है। तो बहुत ज्यादा यहाँ इन सब नदियों में मैप की जरूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि झारखंड का मानचित्र तो दिमाग में है। उत्तर उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकल रही है और उत्तर की ओर बहती हुई जाकर के बिहार में प्रवेश कर रही है, इसलिए इसको मानचित्र से जानने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मुहाने, निरंजना और लीलाजन नदियों के छोटे छोटे सरिताओं जब मिलती है तो फल्गु नदी की मुख्य धारा बनती है। फल्गु नदी को और किस नाम से जानते हैं? अंतःलीला।
अंतः सलीला नाम से जानते हैं। याद रखिएगा फल्गु नदी का उपनाम क्या है, अंतः सलीला। क्या नाम है? अंतः सलीला फल्गु नदी का उपनाम है। वेट कीजिए, सुमागधी भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, फल्गु नदी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सब लोग जानते हैं, पितृपक्ष मेला, जो गया में पितृपक्ष मेला लगता है जिसमें पिंड दान किया जाता है, वो फल्गु नदी के किनारे ही लगता है दोस्तों, इसलिए विख्यात है फल्गु नदी, है ना। गया के निकट इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, पहले तो कम है लेकिन गया जैसे ही प्रवेश करती है तो गया के पास इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, और वहीं पे पितृपक्ष मेला लगता है जहां पर पूरे देश भर के लोग आते हैं, जिनके पिता जो का निधन हो जाता है वो पितृपक्ष में जाकर के पिंड दान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नदी बहुत ज्यादा विख्यात है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, ये भी हम लोग, सकरी नदी भी किस तरह की नदी है, उत्तरवर्ती गंगावर्ती नदियां हैं। सकरी नदी की बात करें तो ये उत्तरी छोर नागपुर के पठार से यह भी निकलती है, जैसे पुनपुन निकलती है, जैसे फल्गु निकलती है, उसी तरह सकरी नदी भी उत्तरी छोर नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। सकरी नदी जो है ना, हजारीबाग झारखंड में तो हजारीबाग, बाकी बिहार में पटना, गया और मुंगेर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। सकरी नदी के बारे में याद रखना दोस्तों कि यह झारखंड से निकल करके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है और किऊल और मोरहर नदियों के साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। यानी आपसे पूछा जाए कि किऊल नदी या मोरहर नदी किसकी सहायक नदी है, देखो जो मुख्य धारा का क्वेश्चन था ना वो पूछना अब धीरे धीरे बंद करेगा, नदी में ना अब सहायक नदियों के बारे में ज्यादा सवाल आएंगे, ठीक है, क्योंकि नदी का उद्गम तो सबको याद हो ही चुका है, अब सहायक नदियों से ज्यादा सवाल आने की संभावना है, इसलिए सहायक नदियों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलो, तो दोस्तों सकरी नदी की बात कर रहे थे, झारखंड में हजारीबाग में बहती है, पटना, गया, मुंगेर, बिहार में बहती है। किऊल नदी और मोरहर नदी किसकी सहायक नदी है, तो सकरी की सहायक नदी है ना, और ये जाकर के मुंगेर से बहती हुई ये क्या करती है, गंगा के ताल क्षेत्र में किऊल और मोरहर के साथ मिल करके गंगा में जाकर के मुहाना बनाती है, ठीक है। आपको याद रखना है रामायण में सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है, रामायण में सकरी नदी को ही क्या कहा गया है, सुमागधी कहा गया है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे बमागधी के बारे में, तो बमागधी और सुमागधी में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, उसको अच्छा से अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन होने की संभावना हो सकती है मगर अच्छे से याद कर लीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है दोस्त। किऊल नदी, जी किऊल नदी और कौन सा नदी, किऊल और मोरहर नदी, ये दोनों नदियां जो है वो सकरी की सहायक नदी है। सकरी नदी को ही मार्ग बदलने के लिए कुख्यात माना जाता है, रामायण में सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। कभी बमागधी और सुमागधी में कंफ्यूजन हो जाए तो आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, स से होता है सकरी और स से ही होता है सुमागधी, तो इसको आप लोग आराम से याद रख सकते हैं, बमागधी भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो सकरी नदी को सुमागधी किस में कहा गया है, रामायण में कहा गया है दोस्तों। अब चानन नदी जिसको पंचानन भी कहते हैं, इसका भी उद्गम कहां से, छोटा नागपुर के पठार से। यह नदी पांच जलधाराओं के मेल से विकसित हुई है, इसी कारण इसका नाम पंचानन पड़ा है, और वही पंचानन का बिगड़ा हुआ नाम चानन है, बोलते बोलते होता है ना कि किसी का नाम बदल जाता है, तो पंचानन ही इसका मुख्य नाम है, बिगड़ा हुआ नाम चानन नदी है, और पांच जलधाराओं के मिलने से इस नदी का यह नदी विकसित हुई है, इसलिए इसको पंचानन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये पांच जलधाराएं छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दोस्तों, ठीक है। यह जो है चानन जो है
वो सकरी की ही सहायक नदी है। जैसे किऊल और मोरहर सकरी की सहायक नदी है ना, उसी प्रकार से पंचानन भी सकरी की ही सहायक नदी है, क्योंकि ये सकरी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर हो गया है अभी। चानन पंचानन यानी पंचानन नदी या चानन नदी किसकी सहायक नदी है? सकरी की सहायक नदी है। पंचानन नदी किसकी सहायक नदी है? सकरी की सहायक नदी है। और पंचानन चानन जो है इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पांच जलधाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसको पंचानन कहते हैं। ये अभी तक हम लोग पढ़े उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदियां। क्या पढ़े? जो लोग बाद में जुड़े उनको मैं बता दूं कि अगर आपका ये क्लास शुरुआत में छूटा है तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शुरू में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, मानचित्र बताए हैं। उस मानचित्र को अगर आप समझेंगे तब आप झारखंड की नदियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं ना, वो इस वीडियो का स्टार्टिंग में जरूर देख लीजिएगा, जब क्लास खत्म हो जाएगा तब, या आप कल देख सकते हैं, है ना, देख जरूर लीजिएगा। अब चलिए हम दक्षिणवर्ती नदियों की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको दक्षिणवर्ती नदियां सब याद होगा। आज के क्लास में शुरू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो दक्षिणवर्ती नदियों में कौन कौन सा नाम हम लिए थे उस समय? दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, अजय नदी, बसलोई नदी, ब्राह्मणी नदी। ये सारी नदियां कौन सी नदियां हैं? तो दक्षिणवर्ती नदियां हैं या पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, प्रवाह के दृष्टिकोण से वर्गीकरण किए थे। अब सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम उस समय भी बहुत सारी बातें कर चुके थे, फिर से कर लेते हैं। दामोदर नदी की अगर हम चर्चा करें साथियों, तो दामोदर नदी का उद्गम सब जानते हैं, छोटा नागपुर का पठार का जो भाग है टोरी क्षेत्र, लातेहार में टोरी क्षेत्र है, वहां से इसका उद्गम होता है। ये झारखंड की सबसे बड़ी नदी है ना, झारखंड की ये सबसे बड़ी नदी है, झारखंड की ये सबसे प्रदूषित नदी भी कही जाती है ना। झारखंड की सबसे बड़ी नदी भी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसकी ऐसे टोटल लंबाई 524 किलोमीटर, अगर झारखंड और बंगाल को मिला दिया जाए तो इसकी टोटल लंबाई 524 किलोमीटर, लेकिन इसकी झारखंड में लंबाई 290 किलोमीटर है, समझे? झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर है। दामोदर की कुल लंबाई 524 किलोमीटर है, जिसमें झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है और झारखंड की सबसे बड़ी नदी भी है। और आज हम आपको बताए थे इसको देव नदी भी कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? देव नदी या देवनद के नाम से जाना जाता है, देवनद, है ना, देवनद। बंगाल का शोक पहले कहते थे इसको, लेकिन अब इसमें इतने सारे डैम बना दिए गए हैं, इतने सारे बांध बना दिए गए हैं, इतनी सारी परियोजनाएं चल रही है, चाहे ताप विद्युत परियोजना, चाहे जल विद्युत परियोजना, चाहे सिंचाई परियोजना, चाहे बांध बना करके पानी को रोकना, तो अब इससे बाढ़ नहीं आता है। इस वजह से अब इस नदी को बंगाल का शोक नहीं कहेंगे। अब ये नदी जो है बहुत ज्यादा समृद्धि दे रही है झारखंड और बंगाल के लोगों को। दामोदर नदी जो है आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है, इसलिए अब इसको बंगाल का शोक नहीं कहेंगे। हाँ, एक समय था जब ये बहुत ज्यादा बंगाल में तबाही मचाती थी, उस समय इसको हम लोग बंगाल का शोक कहते थे। ठीक है, चलिए। अब जो दामोदर नदी है उसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, जैसे बराकर नदी जो पद्मा से निकलती है, हजारीबाग के पद्मा से निकलने वाली बराकर नदी, बोकारो नदी हजारीबाग, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी। तो दामोदर की सहायक नदियां और भी है, जैसे भैरवी है, भैरवी भी दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, तो दामोदर की सहायक नदियों में बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी और भैरवी नदी, ये सब दामोदर की सहायक नदी है। झारखंड में अगर दामोदर के प्रवाह की बात करें तो लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद। याद रखिएगा, दामोदर का प्रवाह क्षेत्र झारखंड के बहुत सारे जिलों से होता है, लातेहार से निकलती है,
रामगढ़ में प्रवेश करती है। रामगढ़ में रजरप्पा में आप लोग जानते होंगे कि दामोदर और भैरवी नदी दोनों यहां पर बहता है, ठीक है। हजारीबाग में प्रवेश करती हुई गिरिडीह जाती है, बोकारो और धनबाद होते हुए ये चली जाती है पश्चिम बंगाल, समझ गए। तो इस तरह से दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड के कौन कौन से जिले में है, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद। लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, इन जिलों में कौन बहती है, दामोदर नदी बहती है। सहायक नदी कौन कौन सा हो गया, दामोदर की सहायक नदी बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। एक फिगर भी आपको हम दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा फिगर जो मैंने खुद ही बनाया है। देखिए, हजारीबाग से लेकर बर्धमान जिले तक दामोदर जो है ना काफी तेज धारा में बहती है, और यही कारण है कि उस बीच में बहुत सारे बांध का निर्माण किया गया, समझ गए। अब देखिए इस फिगर को देखिए, दामोदर का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हम यहां पर बनाए हैं अपने हाथों से दामोदर नदी, देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये दामोदर नदी है ना, ये दामोदर नदी। इस दामोदर नदी को ध्यान से समझिए, अभी हम आपको बताए भी हैं बहुत सारी सहायक नदियों के बारे में। दामोदर नदी से एक नदी है बोकारो नदी जो मिलती है सहायक नदी में, ये बोकारो नदी है। बोकारो नदी दामोदर नदी से कहां मिलती है, तो हजारीबाग में मिलती है, ठीक है। बोकारो नदी जो है दामोदर नदी से कहां मिलती है दोस्तों, तो हजारीबाग में मिलती है। एक पॉइंट क्लियर जी, भेड़ा को ही भैरवी भी बोलते हैं। दूसरा कोनार नदी, कौन सा नदी, कोनार नदी। कोनार नदी की बात करें तो कोनार नदी जो है ये भी दामोदर की सहायक नदी है, और ये दामोदर से कहां मिलती है, बोकारो में मिलती है ना। इस तरह का गहरा गहरा सवाल आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दामोदर नदी जो है दोस्तों, इसकी सहायक नदियों में बोकारो नदी जो है दामोदर नदी से कहां पे मिलती है, हजारीबाग में मिलती है। कोनार नदी जो इसकी सहायक नदी है ये दामोदर में कहां मिलती है, बोकारो में मिलती है, ठीक है। जो जमुनिया नदी जो है, जमुनिया नदी दामोदर में कहां मिलती है, ये भी बोकारो जिले में मिलती है, समझे। जमुनिया नदी कहां पे मिलती है, तो बोकारो जिले में जमुनिया नदी मिलती है दोस्तों, समझ गए। उसी तरह से जो बराकर नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जिसमें तिलैया बांध है, जिसमें मैथन डैम है, ये बराकर नदी जो है मैथन के पास धनबाद में जाकर के दामोदर नदी में मिल जाती है, ठीक है। देखिए कुछ लोग इधर उधर के कमेंट कर रहे हैं, मैं जो सोर्सेस लिया हूं ना वो सोर्सेस सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, इसलिए आप लोग जो है घबराए नहीं, जो जनरल बुक मार्केट में पढ़ते हैं उसी से आप लोग सोचते हैं कि सबसे सही बुक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मत घबराइए, टेंशन मत लीजिए, जो बता रहे हैं समझिए उसको। चलिए दोस्तों, तो यहां पर आपने देखा कि दामोदर नदी की सहायक नदियां, बोकारो नदी का मिलन दामोदर में कहां होता है, हजारीबाग में। कोनार नदी का कहां मिलन होता है, बोकारो में, ठीक है। उसी तरह जमुनिया का कहां मिलन होता है, बोकारो में। और बराकर नदी जो कि मैथन डैम बनाते हुए मैथन के ही निकट जाकर धनबाद में, बोकारो में जाकर के, सॉरी दामोदर में जाकर के मिल जाती, ठीक है। उसके अलावा दामोदर और भैरवी का संगम है कहां, रजरप्पा में, रामगढ़ जिले में। दामोदर और भेड़ा नदी, भेड़ा को ही भैरवी बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये सब दामोदर की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है, जो भी हम आज भी बताए थे कि अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना थी उसी के तर्ज पर दामोदर घाटी प्रोजेक्ट जो है वो पंडित नेहरू की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के कार्यालय में इसका मतलब शुरुआत किया गया था, और इसी का परिणाम यह हुआ
दामोदर नदी जो एक समय बंगाल का सोक कहा जाता था, उसमें बहुत सारे डैम बनाए गए, उसमें बहुत सारी परियोजनाएं अभी चल रही है, और इसलिए दामोदर नदी को अब बंगाल का सोक नहीं कहेंगे, है ना। ये झारखंड और बंगाल के लिए, भारत ही नहीं, मतलब झारखंड और बंगाल ही नहीं, ये भारत के लिए अब नाज बन चुका है, क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है ना, आजादी उसके बाद सबसे पहले शुरू की गई परियोजना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे कृषि परियोजना हो गया, विद्युत परियोजना हो गया, है ना, पनबिजली, ताप विद्युत, कई सारी परियोजनाएं चल रही है, इसलिए अब ये बहुत समृद्धि का प्रतीक बन गई है। ठीक है, दामोदर घाटी जो क्षेत्र है दोस्तों, एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, देश का एक बहुत समृद्ध क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे चूना पाया जाता है, कोयला, दामोदर घाटी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, चूना पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, ये सब खनिज उपलब्ध है ना। इसके आसपास कई औद्योगिक क्षेत्र बसे हैं, है ना, दामोदर नदी के आसपास कई औद्योगिक क्षेत्र भी बसे हैं। ठीक है, इसमें मैथन डैम, इसकी और इसकी सहायक नदियों में मैथन डैम, पंचेत बांध, तिलैया बांध, ये सब बांध भी बनाए गए, जिससे कि अब बाढ़ की स्थिति भी नहीं पैदा होती है। इसके अलावा इसमें ताप विद्युत, पन बिजली और सिंचाई परियोजनाएं भी चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब बराकर नदी को जान लो, थोड़ा फटाफट करते हैं आज के क्लास को। कितना टाइम हो गया भाई, लगभग 2 घंटे होने को है। चलिए 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए, बराकर नदी उद्गम, उद्गम हजारीबाग में पद्मा, हजारीबाग में पद्मा से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र बराकर का जानिएगा तो हजारीबाग के पद्मा से निकलती कोडरमा। अब चूंकि कोडरमा जिला में बराकर नदी पर तिलैया बांध बना हुआ है ना, कोडरमा जिला में बराकर नदी पर तिलैया बांध बना हुआ तो कोडरमा जिला हो जाएगा। गिरिडीह जिला में प्रवेश करती है, धनबाद जिले में प्रवेश करती है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम आपको बताएंगे बराकर नदी के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उद्गम कहां से, पद्मा से। मुहाना कहां बनाती है, धनबाद में जाकर के दामोदर नदी में मिल जाती है, तो मुहाना हो गया। कहां कहां बहती है, तो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, इन सभी जगहों पर बहती है। ठीक है, उसके अलावा तिलैया डैम और मैथन डैम इसी नदी पर स्थित है। तिलैया डैम और मैथन डैम किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर स्थित है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों में भी है दोस्तों। बराकर नदी का उल्लेख जो है बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों में भी है। आपको पूछ अगर दिया जाए कि बराकर नदी का नाम जो बराकर पड़ा किसी चीज के नाम पे पड़ा होगा। बराकर नाम का एक स्थान है झारखंड में, समझे। आपसे अगर पूछ दिया जाए झारखंड में बराकर नामक स्थान किस जिले में है, तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, पीछे दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा, बराकर नाम का स्थान जो है झारखंड में गिरिडीह जिले में है। कहां पर है, बराकर जो गांव है वो गिरिडीह जिले में है, उसी के नाम पर इसका बराकर नाम पड़ा है। और ये इसी नदी के, बराकर नदी के तट पर वहां पर जैन मंदिर भी है, समझे। वहां पर गिरिडीह में एक जैन मंदिर भी बराकर नदी के तट पर है। मैथन धनबाद में चले जाइए तो मैथन के पास बराकर नदी के तट पर एक मंदिर है, कल्याणेश्वरी मंदिर, है ना। पूछ दिया जाए कल्याणेश्वरी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, कल्याणेश्वरी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये बराकर नदी के तट पर धनबाद में मैथन के पास स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, क्लास में जब हम बोल चुके हैं कि खत्म होगा तभी क्लास एंड होगा, ये फाइनल क्लास होगा झारखंड की नदियों का, तो अब बकाइए नहीं, थोड़ा सा सबर कीजिए और पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एक ही क्लास में कंप्लीट करने बोले हैं तो एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो बोल चुके हैं वो करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, स्वर्ण रेखा बहुत इंपॉर्टेंट नदी, इसलिए हम फिगर भी इसका बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये है हमारा स्वर्ण रेखा नदी, आपको यहां पर स्पष्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। रांची के नगड़ी गांव से निकलती हुई, देखिए हम एक बार यहां पर दिखा दे रहे हैं पेन चला करके। देखिए
कुछ यहाँ रांची में, रांची जिले में यहां से कुछ निकल रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से स्वर्णरेखा नदी है। इसकी कई ट्रिब्यूटरी हैं जो इसमें मिलती है। स्वर्णरेखा नदी चूंकि रांची के पठारी भाग से निकलती है, रांची जो कि पठारी क्षेत्र है, ऊंचाई पर है, तो ये बहुत सारे जलप्रपातों का भी निर्माण करती है। स्वर्णरेखा और इसकी जो सहायक नदियां हैं कई सारे जलप्रपातों का भी निर्माण करती है, जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। इसका जो पीडीएफ है ऐप में मिलेगा रोशनराज, ठीक है, करियर फाउंडेशन ऐप पर ही मिलेगा। ये पीडीएफ हम ओपनली नहीं दे सकते हैं, जो ऐप में कोर्स ज्वाइन किए उन्हीं को इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चलिए, तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में क्या क्या चीजें हम लोग को जानना है, सबसे पहले उद्गम जानना है और भी बहुत सारी चीजें जानना है, एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है दक्षिणी छोटानागपुर के पठारी भाग में रांची जिले के नगड़ी गांव के उत्तरी छोर से होता है, समझे। नगड़ी गांव से एक्चुअली झारखंड की दो नदियां निकलती है, समझे। रांची में नगड़ी गांव से दो नदी निकलती है, एक स्वर्णरेखा है, दूसरी कौन सी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। तो नगड़ी गांव जो है, जो दक्षिणी छोटानागपुर का पठार का वो भाग है, वहां पे रांची जिले में नगड़ी गांव है, यहां से निकलती है। एक बात, ठीक है, इसी गांव के एक छोर से दक्षिणी कोयल का उद्गम होता है, यानी नगड़ी गांव, रांची का जो नगड़ी गांव है उस गांव के एक छोर से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, जबकि दूसरी छोर से दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिए। ओके, चलिए, तो दक्षिणी कोयल का उद्गम भी नगड़ी गांव से होता है, स्वर्णरेखा का उद्गम भी होता है, ठीक है। इस नदी का स्वर्ण, मतलब स्वर्णरेखा नदी है, इसमें स्वर्ण कण भी पाया जाता है, लेकिन स्वर्ण कण औद्योगिक दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में स्वर्ण कण पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, वह बहुत सारे लोग जो है वो स्वर्ण कण को दिन भर छानते हैं, बहुत छोटे छोटे कण स्वर्ण के निकलते हैं और व्यापारियों को बेचते हैं, बस इतना ही उसका महत्व है ना। पठारी भाग की कड़ी चट्टानों वाले प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण स्वर्णरेखा नदी और इसकी सहायक नदियां जो है गहरी घाटियां और जलप्रपात बनाती। क्यों भाई? क्योंकि स्वर्णरेखा और इसकी जो सहायक नदियां है ना, वो कड़ी चट्टानों वाले पठारी भाग की कड़ी चट्टानों वाले प्रदेश से प्रवाहित होती है, और यही कारण है कि स्वर्णरेखा और इसकी सहायक नदियां जो है ना, वो गहरी घाटियों का निर्माण करती है और जलप्रपातों का भी निर्माण करती है, ठीक है। दोस्तों, आज आप लोगों ने लाइक बटन बड़ा कम दबाया, मैं दो घंटे से क्लास ले रहा हूं, पूरा पूरी दो घंटे हो चुके हैं, लेकिन लाइक्स की संख्या आप लोगों का बहुत आज कम है, तो आप लोगों से आग्रह होगा दोस्तों कि थोड़ा लाइक वाइक बटन को दबा दिया कीजिए, अच्छा लगता है ना, दबा दीजिए लाइक बटन जो भी लोग लाइव हैं। चलिए, तो स्वर्णरेखा का उद्गम कहां से? रांची के नगड़ी गांव से, है ना। रांची के नगड़ी गांव से एक और नदी कौन सा निकला? तो दक्षिणी कोयल निकला, ठीक है। पठारी भाग के कड़ी चट्टानों से होकर गुजरने के कारण ये गहरी घाटियों का निर्माण करती है, और किसका निर्माण करती है? जलप्रपातों का निर्माण करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये झारखंड की इकलौती ऐसी नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में मिलती है और डेल्टा का भी निर्माण करती है, है ना। प्रवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम में इसका प्रवाह क्षेत्र है, स्वर्णरेखा नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम में है, यानी कि आपका पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में आप बहते हुए देखे होंगे, सरायकेला और जमशेदपुर के बीच में बॉर्डर भी बनाने का काम करती है स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, सहायक छूट गया है यहाँ पर, सहायक नदियों की बात करें, स्वर्णरेखा की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों, याद कर लो, खरकई नदी, राढ़ू नदी, कांची नदी, संजय नदी, करकरी नदी और कसाई नदी।
स्वर्णरेखा के सहायक नदियां कौन कौन सी है? खरकई नदी, राड़हू नदी, कांची नदी, संजय नदी, करकरी नदी और कसाई नदी, ये सारी जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं, है ना। ये सभी क्या है? स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। एक बार बोलिए मेरे साथ, रिपीट करिए, एक बार रिपीट करिए सब लोग, स्वर्णरेखा की सहायक नदियों के बारे में। है ना, कौन कौन सा है? खरकई नदी, राड़ू नदी, कांची नदी, संजय नदी, करकरी नदी और कसाई नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। झारखंड की इकलौती नदी जो कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट याद रखिएगा, मत टच करना गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहां से होता है? रांची के नगड़ी गांव से होता है ना, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और ये और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो चूंकि कठोर पर्वतों से होकर गुजरती है, इसी कारण कई सारे जलप्रपात का निर्माण करती है। और ये जलप्रपात को भी अभी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, मानचित्र भी आपको हम प्रदर्शित कर चुके हैं। स्वर्णरेखा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलप्रपात का निर्माण होता है उसको यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, हुंडरू जलप्रपात जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है रांची में, है ना। जोनहा, जोनहा जिसको गौतम धारा भी कहते हैं, जोनहा जलप्रपात जिसको गौतम धारा भी कहते हैं, ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी राड़ू पर स्थित है। जोनहा जलप्रपात जिसको गौतम धारा भी कहते हैं, ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी राड़ू पर स्थित है। दशम जलप्रपात जो है ये भी रांची में है, ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी कांची नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, सबको याद है ना ये सब चीजें? ठीक है, तो दोस्तों स्वर्णरेखा की सहायक नदी राड़ू पर गौतम धारा है ना, गौतम धारा है जिसको जोनहा बोलते हैं। हुंडरू तो खुद स्वर्णरेखा नदी पर है, दशम जलप्रपात कांची नदी पर है। ये तीनों महत्वपूर्ण जलप्रपात जो स्वर्णरेखा और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, नेक्स्ट। अब देखो दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल का भी उद्गम वहीं से होता है ना जहां से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। दक्षिणी कोयल और स्वर्णरेखा नदी दोनों रांची के नगड़ी गांव से निकलते हैं, है कि नहीं? तो दोनों वहीं से निकलते, याद रखिएगा। अब उद्गम रांची का नगड़ी गांव, रांची से निकलकर दक्षिणी कोयल नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, समझे? दक्षिणी कोयल नदी रांची से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और लोहरदगा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दक्षिण की ओर फिर से वापस मुड़ जाती है दोस्तों, है ना। लोहरदगा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जाती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा गुमला जिला होते हुए सिंहभूम में प्रवेश कर जाती है। गुमला जिला होते हुए ये सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, कौन नदी? दक्षिणी कोयल नदी की बात कर रहे हैं। अंततः यह उड़ीसा में जाकर के शंख नदी में मिल जाती है। यानी कि दक्षिणी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये शंख नदी की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो शंख नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। शंख नदी जिसका उद्गम जो है गुमला के चैनपुर से होता है, आप लोग को याद ही है सब चीजें। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जो दक्षिणी कोयल है ना, दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कारो नदी है। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कारो नदी है। और आपको पता होना चाहिए कि कोयल कारो परियोजना जो चल रहा है इन्हीं दो नदियों पर चल रहा है। कोयल कारो परियोजना, दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी जो दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इन दोनों पर चल रहा है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोयल कार्यो परियोजना तो क्लियर हो गया दक्षिणी कोयल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं शंख नदी के बारे में। शंख नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो शंख नदी का उद्गम होता है गुमला के चैनपुर से, जो कि पाट क्षेत्र का दक्षिणी छोर है। पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से गुमला का जो चैनपुर प्रखंड है वहां से निकलती है कौन सी नदी? शंख नदी। शंख नदी का मुहाना कहां बनता है? तो दक्षिणी कोयल में बनता है। शंख नदी का मुहाना किस में बनता है? तो दक्षिणी कोयल में जाकर के, मतलब दक्षिणी कोयल और शंख नदी दोनों जाकर के मिल जाती है उड़ीसा में, है ना।
इस नदी पर, शंख नदी पर राजा डेरा नामक स्थान है, उसके पास सदनी घाग जलप्रपात स्थित है। यानी कि पूछ देगा सदनी घाग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो शंख नदी पर स्थित है। सदनी घाग जलप्रपात किस पर स्थित है दोस्तों, तो शंख नदी पर स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब है अजय नदी। अजय नदी एक ऐसी नदी है दोस्तों जो बिहार से आती है, बिहार से झारखंड में प्रवेश करती है ना। आप मैप को दिमाग में रखिए, मैप हम शुरुआत में बताए हैं। अजय नदी मुंगेर बिहार से उद्गम इसका होता है। अजय नदी का उद्गम कहां से होता है, बिहार के मुंगेर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और झारखंड में अगर हम प्रवाह देखें तो जामताड़ा जिला में प्रवेश करता है। जामताड़ा जिला में जो है अजय नदी जो है वो प्रवेश करता है और झारखंड के देवघर और दुमका जिले में भी प्रवाहित होता है। अजय नदी का जो सहायक नदी कौन कौन सा है, पाथरो और जयंती। पूछ देगा पाथरो और जयंती किसकी सहायक नदी है, तो अजय की सहायक नदी है पाथरो नदी और जयंती नदी। पाथरो नदी और जयंती नदी किसकी सहायक नदी है, अजय नदी की सहायक नदी है। अजय नदी का उद्गम कहां से होता है, मुंगेर से होता है और झारखंड में वो जामताड़ा में प्रवेश करती है, देवघर और दुमका में भी प्रवाहित होती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी में मिल जाती है, ठीक है। चलिए पाथरो नदी की बात करें तो पाथरो नदी हजारीबाग से निकलती है, जबकि जयंती नदी जो है ना वो गिरिडीह जिले से निकलती है। पाथरो नदी का उद्गम कहां से है, हजारीबाग से, जबकि जयंती नदी का उद्गम कहां से दोस्तों, तो गिरिडीह से है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। पाथरो नदी हजारीबाग से निकलती है जबकि जयंती नदी गिरिडीह जिले से निकलती है। पाथरो जयंती किसकी सहायक नदी है, तो अजय नदी की सहायक नदी है। अजय नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, तो मुंगेर से होता है। और इसका मुहाना कहां बनता है, तो भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी नदी के बारे में जानते हैं, ठीक है। मयूराक्षी नदी का उद्गम कहां है दोस्तों, तो त्रिकूट पहाड़ी देवघर। मयूराक्षी नदी का उद्गम कहां पे है, तो त्रिकूट पहाड़ी देवघर में मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। त्रिकूट पहाड़ी अभी बहुत चर्चा में था, आप लोग न्यूज में देखे होंगे कि त्रिकूट पहाड़ी में जो रोपवे था उस रोपवे का मशीन खराब हो गया था, जिस वजह से कई लोग वहां फंस गए थे। हालांकि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। पूरे देश की नजर इस घटना पर थी, कई लोगों की दर्दनाक मौत भी इसमें हुई है ना। जो त्रिकूट पहाड़ी पर रोपवे बना हुआ है, उस रोपवे का जो एक्सीडेंट अभी हुआ था, उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान है ना, और कुछ ग्रामीण लोग भी लगे हुए थे। सभी को सैल्यूट करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका उद्गम त्रिकूट पहाड़ी देवघर से है। मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। और आपको याद रखना है मयूराक्षी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, इन जिलों से मयूराक्षी नदी बहती है। इसे बिहार में मोतिहारी भी कहते हैं दोस्तों। मयूराक्षी नदी को बिहार में मोतिहारी नदी भी कहते हैं, और मयूराक्षी नदी का दूसरा नाम मोराखी भी है। मोराखी भी है, मोर भी है, मयूराक्षी भी है और मोतिहारी भी है, मतलब चार चार नाम है मयूराक्षी नदी का, ठीक है। कौन कौन सा नाम है, मयूराक्षी, मोर नदी, मोराखी नदी, मोतिहारी नदी, चार नाम इसका है मयूराक्षी नदी का। त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज में बहती है। बिहार में इसको मोतिहारी कहते हैं। और मयूराक्षी नदी का सहायक नदी धोवाई नदी, टिपरा नदी, पुसरो नदी, भामरी नदी, मुनबिल नदी, ठीक है, सिद्ध नदी और दौना नदी, ये सारी जो है वो मयूराक्षी की क्या है, सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। मयूराक्षी की सहायक नदी, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, धोवाई नदी, टिपरा नदी, पुसरो नदी, भामरी नदी,
मुनबिल नदी, सिद्ध नदी और दौना नदी, ये सभी मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं। चलो भाई, चलो अब देखो मयूराक्षी नदी का मुहाना कहां पर है भाई, तो बंगाल के सैथिया रेलवे स्टेशन, बंगाल में पश्चिम बंगाल में सैथिया रेलवे स्टेशन है, उसी के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कौन? मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी की एक सबसे बड़ी विशेषता झारखंड की नदियों में यही है दोस्तों कि मयूराक्षी नदी झारखंड की एकलौती ऐसी नदी है जो एक नौगम्य नदी है, यहाँ नाव चलाया जा सकता है। झारखंड की ज्यादातर नदियां जो है उसमें चट्टान बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पर नाव नहीं चलाया जा सकता ज्यादातर नदियों में। मयूराक्षी नदी ही झारखंड की एकलौती नदी है जिसमें नौगम्य की सुविधा है, जिसमें नाव चलाया जा सकता है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया सबको मयूराक्षी नदी के बारे में। एक फिगर भी आप लोग यहां पर देख लीजिए, मयूराक्षी नदी का एक तस्वीर भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये जो है ये झारखंड का कौन सा कोना है, ये झारखंड का उत्तर पूर्वी कोना है ना, और यहां पर त्रिकूट पहाड़ी जो देवघर से निकलते हुए मयूराक्षी नदी बहती है उसको यहां पर दिखाया गया है इस फिगर में। त्रिकूट पहाड़ी है एक नंबर पे, मतलब यहां से निकल रही है, यहां से इस प्रकार से मयूराक्षी नदी निकल करके इस तरह से बहती है। ठीक है, त्रिकूट पहाड़ी से निकलती हुई मयूराक्षी नदी इस तरह से बहती है। यहां पर आप देख रहे हैं ये त्रिकूट पहाड़ी है, कितना खड़ा ढाल है, और इस खड़े ढाल में ये रोपवे था, और इसी रोपवे का अभी हाल में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और सब बहुत सारे लोग बचाए गए थे। ठीक है, ये आप लोग घटना देखे होंगे, पूरे देश की नजर थी, प्रधानमंत्री की भी नजर इस घटना पर थी। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिकूट पहाड़ी कुछ इस तरह से खड़ा है जिससे निकलती है मयूराक्षी नदी। चलिए ब्राह्मणी नदी के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मणी नदी के बारे में बात करें तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी से होता है। दुधवा पहाड़ी का पश्चिमी भाग से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, कहां पर? दुमका में। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां पर होता है दोस्तों? दुमका में ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। दुधवा पहाड़ी के पश्चिमी भाग से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन सी है? गुमरो और एरो। गुमरो और एरो, गुमरो और एरो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं गुमरो और एरो। ये नदी के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये दामिनी कोह क्षेत्र में, दुमका में जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र का जो निचला भाग है दामिनी कोह, जहां पर दामिनी कोह के बारे में आपको बताया इतिहास में भी है ना, तो दामिनी कोह क्षेत्र से प्रवाहित होती है ना। ब्राह्मणी नदी झारखंड की वो नदी है जो दामिनी कोह क्षेत्र से प्रवाहित होती है संथाल परगना में, और गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला है बसलोई नदी। बसलोई नदी के बारे में जानिए, बसलोई नदी का उद्गम बांस पहाड़ी से होता है जो कि गोड्डा में। बसलोई नदी का उद्गम कहां से होता है? बांस पहाड़ी से होता है। बांस पहाड़ी कहां पर है दोस्तों? गोड्डा में स्थित है। यह बांस पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिले के उत्तरी सीमा बनाती है ना, दुमका जिले की उत्तरी सीमा बनाती है और उसे गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है। ये जो बसलोई नदी है वो दुमका जिले की उत्तरी सीमा तो बनाती है और दुमका को गोड्डा और पाकुड़ से अलग करने का काम कौन करती है? तो बसलोई नदी करती है। ठीक है, यह दुमका में पंचवारा पास भी बनाती है, पंचवारा पास से होकर गुजरती है। इसका भी मुहाना कहां पर है? गंगा नदी में। बसलोई का मुहाना कहां है? गंगा में है दोस्तों। गुमानी देखो, गुमानी नदी का उद्गम कहां होगा? गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी है ना। गुमानी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी से होता है। यह संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर से प्रवाहित होने वाली नदी है। यह संथाल परगना का, याद रखिएगा, पूछेगा कि संथाल परगना के
सबसे उत्तरी छोर से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो गुमानी नदी है। ये क्वेश्चन हम पूछेंगे आप लोगों से, ऐसा एमसीक्यू सेशन जब लाएंगे ना इस टॉपिक का, तो आपको उसमें फंसाएंगे अच्छी तरह से, बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके बीच लेके आएंगे। इसलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आराम से बढ़िया से, है ना, क्योंकि बहुत गहरा गहरा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है अगर पूछने का सोच लिया जाए तो। ठीक है, तो दोस्तों गुमानी नदी संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? मेरेल नदी है। मुहाना कहां बनाती है? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अभी थोड़ा सा बचा हुआ है आपको, तब तक एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से आपने झारखंड निर्माण आंदोलन को प्यार दिया उस वीडियो को, उसी तरह से इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, क्लास में और कंटेंट में मैंने बहुत मेहनत किया है। एक ही क्लास में आपको झारखंड की नदियों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, पूरी तरह से याद भी करवा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, कम से कम 2 लाख लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, 2 लाख लोग कम से कम देखें इस वीडियो को। मैं आप लोगों से यह आशा रखता हूं कि जैसे 1.5 लाख के करीब व्यूवर्स उस वीडियो को देख चुके हैं, झारखंड निर्माण आंदोलन वाले क्लास को देख चुके हैं जो यूट्यूब में आया था 1 महीने पहले, इस क्लास को भी उतना ही प्यार दीजिए और इसको और ज्यादा बढ़ाइए। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, ये गुमानी भी पढ़ लिया आप लोग। अब देखो गंगा नदी लास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि गंगा नदी झारखंड में बस साहेबगंज जिले से गुजरती है, है ना। गंगा नदी झारखंड में सिर्फ और सिर्फ किससे गुजरती है? तो साहेबगंज जिले से गुजरती है, इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। गंगा नदी झारखंड की सीमा रेखा को तेलिया गढ़ी के कुछ मील पश्चिम में छूती है और उधवा नाला से आगे चलकर सीमा से हट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से भी गहरे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये गंगा नदी के बारे में सब जानते हैं, साहेबगंज से गुजरती है गंगा नदी झारखंड से। गंगा नदी जो है दोस्तों, ये गंगा नदी झारखंड की सीमा रेखा को तेलियागढ़ी जो है ना, तेलियागढ़ी उसके कुछ मील पश्चिम में छूती है और उधवा नाला से आगे चलकर झारखंड की सीमा से हट जाती है और पश्चिम बंगाल चली जाती है। समझे? यहां पर हम आपको फिगर दिखा रहे हैं कि एक फिगर यहां पर बनाए हैं, इस प्रकार से झारखंड का साहेबगंज जिला है और यहां पे इस तरह से गंगा नदी बहती है। ठीक है, इस तरह से यहां पर साहेबगंज जिला देख रहे हैं ना, यहां से गंगा नदी तेलियागढ़ी के पास प्रवेश करती है और उधवा नाला से बाहर निकल जाती है साहेबगंज में ही। समझ गए सब लोग? चलिए, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया। चलो साथियों, अब देखो कुछ रोचक तथ्य बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है यहां पर, इसको ध्यान से देखिएगा। पूरा नदी आप लोग पढ़ लिए, एक बहुत ही रोचक तथ्य है झारखंड के बारे में। जब आपने इस नदी को पढ़ा तो आपने देखा कि झारखंड के उत्तर पश्चिम छोर पर सोन नदी है, है कि नहीं? और झारखंड के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्वर्णरेखा नदी है। यानी कि अगर हम आपको मानचित्र फिर से दिखाएं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको मिला सोन नदी, यहां पर आपको मिला स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी में भी सोना पाया जाता है, स्वर्णरेखा नदी में भी सोना पाया जाता है। ठीक है, तो सोन और स्वर्णरेखा नदी जो है ये झारखंड का आर्थिक धरोहर है। ठीक है, ये झारखंड का आर्थिक पहचान है। दो कोने में, एक उत्तर पश्चिम में सोन नदी और एक दक्षिण पूर्व में स्वर्णरेखा नदी, दोनों की रेत जो है सुनहली है, दोनों में सोना पाया जाता है, है ना। तो इसलिए ये नदियां जो है वो झारखंड की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित गंगा नदी और झारखंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित शंख नदी,
ये दोनों नदियां झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत रोचक तथ्य है। झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित गंगा नदी, झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित गंगा और दक्षिण पश्चिम में स्थित शंख नदी झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है, झारखंड का सांस्कृतिक धरोहर है। जबकि उत्तर पश्चिम में स्थित सोन नदी और दक्षिण पूर्व में स्थित स्वर्णरेखा नदी जो है, दोनों में सोना पाया जाता है। ये दोनों जो है ना, वो झारखंड की आर्थिक पहचान है। समझ गए कि नहीं आप लोग? चलिए लास्ट हो रहा है क्लास, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब झारखंड की नदियों की विशेषताएं, अब इतना नदी आप लोग पढ़े झारखंड में तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि झारखंड की नदियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। हिल जाएगा, क्या क्या विशेषताएं दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला, झारखंड की नदियों की विशेषताओं में झारखंड की लगभग सभी नदियां क्या है, बरसाती नदी है। सोन नदी को छोड़ दिया जाए ना, सोन नदी को छोड़ दिया जाए तो झारखंड की लगभग सभी नदियां बरसाती हैं। अन्य दिनों में पानी नहीं रहता है, बरसात के दिनों में ही पानी रहता है। ठीक है। दूसरा, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां आपने देखा, वो पठारी भाग से मैदानी भाग में उतरने पर मंद गति से प्रवाहित होने लगती है। जो नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, चूंकि झारखंड में पठारी भाग से निकल रही है, तो पठारी भाग से जब बिहार की ओर जा रही है तो वो धीरे धीरे मैदानी भाग में चली जा रही है, और मैदानी भाग में जाने के कारण उत्तर की ओर से जो उत्तर की ओर जो नदियां निकलती है वो क्या है, वो मैदानी भाग के कारण वो मंद हो जाती है। ठीक है, जहां पर वो मान लीजिए ऊंचाई से आ रहा है, धीरे धीरे उसको मैदानी भाग निकलेगा तो उतनी स्पीड में नहीं बहेगी। तो उत्तर की ओर से जो निकलने वाली जो नदियां हैं वो पठारी भाग से मैदानी भाग में उतरती है, इससे मंद हो जाती है। जबकि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो है अपेक्षाकृत दूर तक तेज गति से बहती है। ठीक है, क्यों? मतलब चूंकि उसका जो भू आकृति उस प्रकार का है, और तेज गति के बहने के कारण ये मिट्टी का कटाव भी बहुत तेजी से करती है ना। जो दक्षिण की ओर और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली झारखंड की नदियां हैं, ये तेज गति से बहती है और मिट्टी का कटाव भी करती है। जबकि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पठारी भाग से मैदानी भाग में उतरती है तो मंद गति से बहती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी विशेषता झारखंड की नदियों का यह है कि उत्तर बिहार की तरफ झारखंड की नदियों में मार्ग बदलने की प्रवृत्ति बहुत, जैसे उत्तर बिहार की नदियां आप देखिएगा जनरली तो बहुत मार्ग बदलती है, और मार्ग बदलने के कारण बहुत बाढ़ आता है। झारखंड की नदियों में वैसा गुण नहीं है। कुछ नदियों को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड की नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं आती है, मार्ग बदलने जैसी स्थिति झारखंड की नदियों में नहीं है, है ना। सक्रिय को अगर छोड़ दिया जाए तो मार्ग बदलने की स्थिति झारखंड की नदियों में नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर क्या है ना, बिहार के उत्तरी भाग में मैदानी है, और मैदानी भाग में नदी को जिधर मन करेगा उधर घूम जाएगा, है ना। लेकिन झारखंड में जो है वैसा भूमि नहीं है, कठोर चट्टान है, और कठोर चट्टान होने के कारण झारखंड की नदियां जो है उसको, जो झारखंड की भूमि है वो कंट्रोल करके रखती है। समझे? मतलब जिधर रास्ता है गहरा खाई होकर के गुजरेगा ना, जहां मैदान मिलता है, जैसे बिहार उत्तर बिहार चले जाओ तो उत्तर बिहार की नदियां बहुत ज्यादा मार्ग इसलिए बदलती है क्योंकि वो मैदानी भाग में बहती है। समझे? देखिए झारखंड की नदियों में क्या है, झारखंड की नदियों में कठोर चट्टानी क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तो उसको मार्ग बदलने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए मार्ग झारखंड की नदियां नहीं बदलती है। समझ गए कि नहीं? बोलिए। तो एक विशेषता ये हो गया। अब झारखंड की नदियों का प्रवाह जो पत्र है भू आकृति के द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि वैसा अब देखिए दामोदर नदी को देखिए तो दामोदर नदी भ्रंश घाटी की ओर से बहती है कि नहीं। भू आकृति झारखंड की नदियों को नियंत्रित करके रखती है। झारखंड की नदियां गहरी घाटी का निर्माण करती है, यहां की नदियां नाव चलाने के लायक नहीं है, है ना। झारखंड की नदियां जो है ना वो नाव चलाने के लायक नहीं है, अगर हम मयूराक्षी को छोड़ दें तो, मयूराक्षी में नाव चल सकता है। झारखंड की अधिकतर नदियां जलप्रपात का निर्माण करती है। झारखंड की ज्यादातर नदियां चूंकि पठारी भाग से होकर के नीचे उतरती है ना,
इसलिए जल प्रपात का निर्माण करती है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों आज का जो क्लास था, इसी प्रकार से आज का क्लास एंड हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितना देर लगे, ढाई घंटा की इस क्लास में झारखंड की नदियां कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके आगे की क्लास ऐप में चलेगी। जलप्रपात, गर्म जल कुंड, जो विद्युत परियोजना है, ताप विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, सिंचाई परियोजना, झारखंड की कृषि, ये सारे क्लासेस एप्लीकेशन में चलेंगे। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, दम भर तैयारी कीजिए, मस्त तरीके से तैयारी कीजिए। अभी आपके पास पूरा समय है, ऐसा नहीं समय नहीं है, आपके पास पूरा समय है। अभी से भी स्टार्ट कीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर ये सारे टॉपिक वाइज लेक्चर मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन कोर्सेज जो कि जेएसएससी सीजीएल का, झारखंड जो कांस्टेबल निकला हुआ है, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड जीके स्पेशल लेना चाहते हैं, कंप्यूटर का स्पेशल क्लास, मैथ रीजनिंग का स्पेशल क्लास, ठीक है, या फिर जेपीएससी का क्लास परचेज करना चाहते हैं, तो करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी अगर आपको चाहिए, डेमो क्लास चाहिए, तो ऑफिशियल नंबर 7070802888 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.careerfoundation.org.in careerfoundation.org.in पर आप विजिट करके वहां से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि झारखंड के लगभग सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और सबको झारखंड की नदियां कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। करियर फाउंडेशन ऐप को जो लोग डाउनलोड नहीं किए, चूंकि ये ओपन सेशन था, पेड बैच वालों के लिए भी था, जो फ्री वाले हैं उनके लिए भी था, तो उनको जानकारी देना जरूरी है। ये सारे क्लासेस टॉपिक वाइज चल रहे हैं करियर फाउंडेशन ऐप पे, तो करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप कोर्स को लेकर के कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच, गुड नाइट, इतने देर तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।